हेलो बच्चों, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। क्या बेटा आपको सुनाई दे रहा है? और क्या मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ स्मार्ट? क्या बेटा मैं आपको स्मार्ट दिखाई दे रहा हूँ? जल्दी से बताइए कमेंट करके। अरे जल्दी बताइए बेटा, जल्दी से, फिर मैं स्टार्ट करूँ आज का गेम। फॉलो अस ऑन सोशल मीडिया और कुछ है? हाँ, ऑब्जेक्टिव बायोनीट भी है। ठीक है, अच्छा जल्दी से आ जाओ तुम लोग। क्या मैं ग्रुप एक बार मैसेज भी कर दूं क्या? कहाँ रह जाते हो तुम लोग, तो टाइम पे आते नहीं हो। कोई 15 मिनट लेट आता, कोई 20 मिनट लेट आता, फिर कहता कि मैं तो लेट में आया था, मैं तो रास्ते से जा रहा था, फिर वहीं सो गया था। चलो जल्दी आओ। जल्दी आओ बच्चों, और तुम लोग अपना जो फ्रेंड है उनको शेयर भी कर दो तब तक, है ना? जल्दी से आ जाओ, जल्दी से सब लोग आ जाओ। तुम लोग भूल जाते हो क्या? मतलब अपनी पढ़ाई को लेके भी तुम लोग भूल जाते हो कि कब क्लास होनी है, ये भी तुम लोग, मतलब टीचर जगाए एक बच्चे को जाके कि चलो बेटा पढ़ लो तब पढ़ेंगे, मतलब नालायकी की हद की हो तुम लोग। इतना नालायक तो मैं भी नहीं हुआ करता था जितने नालायक तुम लोग तो मेरा भी रिकॉर्ड तोड़े हुए हो। चलो तो जल्दी जल्दी से आ जाओ सब लोग। और एनटीए मॉक टेस्ट आज कौन कराना है बेटा, पता है आपको? कौन सा मॉक टेस्ट मैं कराने जा रहा हूं आपको, क्या कोई आइडिया है इस बारे में? कोई आइडिया नहीं, नो आइडिया। ठीक है चलो, मैंने सब जगह मैसेज सेंड कर दिया है कि जल्दी आओ बच्चों। मैसेज शायद मिल भी गया होगा तुम लोगों को, है ना? जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। टाइम का तुम लोग ध्यान नहीं रखते बेटा। चलो तो जल्दी से लाइक भी कर दो और फिर हम स्टार्ट कर देते हैं, है ना? लेकिन मैं पढ़ाई को लेके थोड़ा सा सीरियस रहा करता था, है ना? मैं पढ़ाई को लेके थोड़ा सा सीरियस रहा करता था, मतलब पढ़ता तो मैं बहुत था। रूबेन करे कैसे छोटू बेटा, दादा ठीक हूं मैं एकदम मस्त। लाइक कर दिया सबने, नीट माता माफ नहीं करेगी, समझ लो बेटा। ठीक है चलो, मैं एकदम ठीक हूँ बेटा, मुझे तो एकदम ठीक लग रहा, बस थोड़ा सा बर्डन इसमें बहुत ज्यादा है क्योंकि जो प्रीमियम उसकी 3 वीडियो रिकॉर्ड करनी होती है ना, और लाइव सेशन हो गया, 2 लाइव सेशन होते हैं 2 2 घंटे के, है ना? हाँ पीडीएफ बेटा नहीं मिल पा रही, मैं समझ पा रहा हूँ क्योंकि बहुत बर्डन है ना। जो प्रीमियम उसकी 6 ग्रुप बनाने पड़े हैं अलग अलग, है ना? फिजिक्स के गर्ल्स बॉयज का अलग ग्रुप, केमिस्ट्री में गर्ल्स बॉयज का अलग ग्रुप, फिर बायो में गर्ल्स और बॉयज का अलग अलग ग्रुप, क्योंकि एक साथ एक ग्रुप बना देंगे तो पढ़ाई लिखाई तो होगी, फिर तुम लोग एक दूसरे का नंबर लोगे और फिर शुरू कर दोगे, हेलो हाय, हाँ सिस्टर कैसी हो, हाँ ब्रदर कैसे हो, मतलब सिस्टर ब्रदर कह कह के आज लोग आजकल, है ना? मतलब हद है, हद है। चलो अच्छा, तुम लोग भी सीरियस हो बेटा, होना पड़ेगा बिल्कुल, तुम लोग को भी पढ़ाई के लिए थोड़ा सा कमिटमेंट दिखाना पड़ेगा। मुस्ता करें सर, आप कितने घंटे पढ़ते हैं? बेटा अभी भी अगर मैं इस समय की बात करूँ ना, तो मैं काम करना जानते हो कितने बजे शुरू करता हूँ? मैं मॉर्निंग में काम करना शुरू करता हूँ 8 बजे और रात में 12 बजे तक, 12 के इस समय तो 1 2 बज जा रहा है, मतलब इस समय भी मैं 18 20 घंटे काम करता हूँ। ठीक है, और तुम लोग 18 20 घंटे इस दिन पढ़ लोगे ना, क्या मजा आएगा, आनंद ही आनंद, परमानंद की खोज हो जाएगी, है ना? जिस खोज की चक्कर में लोग दुनिया भर में घूम रहे हैं वो तुमको मिल जाएगा, परम आनंद, है ना? गुरुजी धन्य है। अच्छा मोहित कह रहे कि मेरे गांव में 3 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं आज। घर ही में रहो बेटा, घर से बाहर मत निकलो, है ना?
नीलम बेटा प्रीमियम पे 2 वीडियो अपलोड हो चुकी हैं, है ना, एक कल हुई थी एक आज हो चुकी है प्रीमियम पे। फिजिक्स की बेटा एक हो चुकी, एक अभी अपलोड हो जाएगी थोड़ी देर में, है ना। अभी थोड़ा सा काम है, कल ही से हमने प्रीमियम स्टार्ट किया, थोड़ा सा अभी ऑर्गेनाइज करने में टाइम लग रहा है, कोई बच्चा पेमेंट नहीं कर पा रहा है, कोई कह रहा मुझे ग्रुप में ऐड कर, तो थोड़ा सा अभी हमें ऑर्गेनाइज करना पड़ रहा है ना। मंडे से एकदम प्रॉपर तरीके से चलेगा, कोई पीडीएफ नहीं मांगनी पड़ेगी, है ना, सब कुछ एकदम प्रॉपर चलेगा। चरम आनंद, परमानंद। हाँ बाहर थैनोस घूम रहा है, बाहर मत निकलना, घर ही पे रहना और यूट्यूब खोल के केवल गंगवार इंस्टीट्यूट फॉर नीट पे आ जाना, ठीक है। अच्छा अभिषेक कह रहे हैं सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, धन्यवाद बेटा, दिल से धन्यवाद मैं दे रहा हूँ, क्योंकि आपके जो वर्ड्स होते हैं ना यही अप्रिसिएट करते हैं, इसी की वजह से मैं इतना काम कर पाता हूँ, 10 से 12 बजे, 12:30 बजे, 1 बजे तक सेशन ले सकता हूँ, है ना। तो अच्छा प्रशांत कह रहे हैं कि वीडियो लाइक करने से क्या होता है मुझे पता नहीं चल पाया। बेटा वीडियो लाइक करने से एक तो ये होता है कि मुझे अच्छा लगता है ना, कि आपने देखा और इतने सारे बच्चों ने देखो, 2 गुबरेले भी आ गए और 2 गुबरेलों ने डिसलाइक कर दिया, है ना। तो अब देखो 2 गुबरेले ने डिसलाइक किया, 183 लोगों ने लाइक किया, तो अब थोड़ा सा ये रहता ना कि भाई लाइक और डिसलाइक का मतलब क्या, कि आपको अच्छा लग रहा है जो आप पढ़ रहे हैं। फिर जो लाइक ज्यादा मिलती है तो यूट्यूब भी उस वीडियो को सर्चिंग में दिखाता है, अगर कोई बच्चा सर्च करेगा NTA मॉक टेस्ट तो यूट्यूब मेरी वीडियो दिखाएगा, है ना, तो मतलब मेरा चैनल प्रमोट होगा, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, है ना, ये सारी चीजें, मतलब बहुत ब्रॉड है ये, है ना। ठीक है तो अब मुझे बताओ कि अच्छा आज का जल्दी करवा दें क्लास, ठीक है बेटा चलो स्टार्ट कर दें फिर। हाँ 5 डिसलाइक हो गए, हाँ चलो 6 हो चुके हैं, चलो बहुत बढ़िया, एक एक से चुन चुन के बदला लिया जाएगा, चलो कोई बात नहीं, दुनिया में हर इंसान अच्छा ही थोड़ी होता है, अगर 1000 लोग मेरे चाहने वाले हैं तो 2-4 तो ऐसे लोग होंगे ही, क्या फर्क पड़ता है ना, गुबरेलों को गु खोदने तो हम लोग अपनी पढ़ाई करते हैं, ठीक है। चलो डिसलाइक मतलब गुबरेला, हाँ डिसलाइक करने वाले पटक के मारा जाए। और पता चला खली निकला तब, हाँ एकता थैंक यू बेटा आप सारी वीडियो लाइक करती हैं, खेला शुरू किया जाए, चलो 7 हो गए, चलो बहुत बढ़िया, गुबरेले झुंड बना के रहते हैं, हो सकता है कि एक ही 2 लोग हों, कई आईडी बनाए हों, ये भी तो हो सकता है, कई सारे चैनल हों, अलग अलग चैनल से आते हो, कितना टाइम वेस्ट करते हैं, है ना। चलो तो आज का मॉक टेस्ट कोई अंदाजा लगा सकता है कौन सा मॉक टेस्ट करने वाले हैं, दैट इज मॉक टेस्ट नंबर 49 हम करेंगे बेटा, ठीक है, मॉक टेस्ट नंबर 49 आज हम करेंगे यहाँ पर। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, विच ऑफ दीज मेरिस्टम हेल्प इन इंक्रीजिंग द गर्थ ऑफ प्लांट, गर्थ मतलब प्लांट की मोटाई को बढ़ाता है, तो प्लांट की मोटाई को कौन, प्लांट की मोटाई जब बढ़ती है तो उसको सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं बेटा, सेकेंडरी ग्रोथ, है ना। तो फिगर में पहचानना है, 1, 2 एंड 3 दिखाई दे रहा आपको, 1 क्या है बेटा, 1 इज एपिकल मेरिस्टम, सबसे टॉप पे दिखाई दे रहा है एपिकल मेरिस्टम, बी क्या है दैट इज इंटरकैलरी मेरिस्टम, तो इनसे तो बेटा केवल प्राइमरी ग्रोथ होती है, प्लांट लंबाई में बढ़ता है, जो ये तीसरे नंबर पे आपको दिखाया गया है दैट इज लेटरल मेरिस्टम या सेकेंडरी मेरिस्टम, और इससे सेकेंडरी ग्रोथ होती है यानी प्लांट गर्थ में बढ़ता है, तो ऑप्शन डी सही होगा, ये देखो ABCD सब ऑप्शन आ गए। सर्वेश थैंक यू बेटा, अगर आपको मेरी पढ़ाई अच्छी लगती है लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, अपने फ्रेंड्स को भी बताएं जरूर। क्वेश्चन नंबर 2, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली रिप्रेजेंट कोडिंग सीक्वेंस ऑफ डीएनए एंड नॉन कोडिंग सीक्वेंस ऑफ डीएनए रिस्पेक्टिवली, चलिए बताइए कोडिंग सीक्वेंस कौन होता है, कोडिंग सीक्वेंस को क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कोडिंग सीक्वेंस इज कॉल्ड एक्सॉन एंड नॉन कोडिंग सीक्वेंस इज कॉल्ड इंट्रॉन, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, थोड़ा स्पीड में करिए बेटा, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल फॉर BT कॉटन, बीटी कॉटन के लिए कौन सा एप्लीकेबल नहीं है, इट इज ए GM प्लांट, ये जेनेटिकली मॉडिफाइड है, बिल्कुल, इट शोज इंसेक्ट रेजिस्टेंट, बिल्कुल, इट हैज ए बैक्टीरियल जीन एक्सप्रेशन इन इट सिस्टम, बिल्कुल, क्राई जीन, इट इज रेजिस्टेंट टू ऑल पेस्टिसाइड, नहीं बेटा ये कुछ पर्टिकुलर जैसे BT कॉटन बॉलवर्म से रेजिस्टेंट है, तो डी यहां पर गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, यूज द बिलो पेयर ऑफ नेम टू फिल द गैप्स इन द गिवन स्टेटमेंट,
डोमिनेट स्मॉलर बार्निकल, है ना, डोमिनेट स्मॉलर बार्निकल। चलिए पढ़िए जरा। कॉनेल्स एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट शोड दैट ऑन रॉकी सी कोस्ट ऑफ स्कॉटलैंड द लार्जर एंड कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर बार्निकल डोमिनेट द इंटर टाइडल एरिया एंड एक्सक्लूड स्मॉलर बार्निकल। यस, तो आपको बताना है कि कौन सा सुपीरियर बार्निकल होता है और कौन सा स्मॉलर होता है। तो सुपीरियर होता है बार्निकल बेलेनस और इंफीरियर होता है बार्निकल चैथेमेलस। तो बेलेनस चैथेमेलस कहां दिया गया, डी ऑप्शन में आपको दिया गया है। तो 4 का आंसर डी हो गया। क्लियर है बेटा? आयुष कह रहे हैं कि माई सर इज ग्रेटेस्ट टीचर ऑफ इंडिया। वाह क्या बात है बेटा, थैंक यू। अगर आपको इतना पसंद आता है मेरा टीचिंग स्टाइल तो इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा और ऊपर वाले से प्रार्थना करूंगा कि आप सब बच्चे नीट 2020 में सेलेक्ट होके पार्टी करने के लिए लखनऊ आए और हम लोग पार्टी ऑल नाइट। चलिए, द मैप डिस्टेंस बिटवीन जीन ए एंड बी इज 3 यूनिट, बी एंड सी इज 10 यूनिट एंड बिटवीन सी एंड ए इज 7 यूनिट। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द जीन इन ए लिंकेज मैप ऑन द अबाउट डेटा। ये क्वेश्चन मैंने न्यूमेरिकल सीरीज में कराया था, न्यूमेरिकल ऑफ द डे, है ना, न्यूमेरिकल सीरीज में। तो बेटा मैंने कहा था कि सबसे बड़ी डिस्टेंस लीजिएगा सबसे पहले, तो बी और सी के बीच में आपको बताया गया है कि बी और सी के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 10 यूनिट। ये 10 यूनिट डिस्टेंस आपको दी गई, 10 मैप यूनिट। अब कह रहे हैं कि इसके बाद दूसरे नंबर पे आ जाइए, सी और ए के बीच कह रहा 7 है, सी और ए के बीच। तो सी यहां पे सी है, ये सी वाला जीन है। अब ए या तो इसके राइट में होगा या फिर लेफ्ट में होगा, है ना। तो चलिए हमें पता नहीं तो हम बना लेते हैं दोनों तरफ। ये 7 मैप यूनिट आपको दिया गया है और ये 7 हो जाएगा, ठीक है। हमें नहीं पता कि ए राइट है या लेफ्ट है। अब कह रहे हैं कि ए और बी के बीच 3 है, तो यहां पर ए है और यहां पर बी। आप सोचिए ए और सी, ये 7 हो गया और ये बी और सी के बीच 10 है, तो ए और बी के बीच कितनी बची, 3 मैप यूनिट बची। तो इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगा, इधर वाला ये ए जीन इधर नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर ए यहां पर होगा तो ए और बी के बीच की डिस्टेंस टोटल कितनी 17 हो जाएगी, जबकि होनी कितनी चाहिए 3। तो आपका आंसर क्या आया, बी ए सी, दैट इज द करेक्ट सिक्वेंस। बी ए सी सिक्वेंस में तीनों कंडीशन जो क्वेश्चन में दी गई वो फॉलो हो रही है और यही आपको चेक करना। तो करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, बी ए सी। समझ में आया, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ए सी। कोई ऑप्शन ही नहीं दिया गया। अच्छा, बी ए सी नहीं दिया गया तो आप क्या करोगे, बी ए सी नहीं दिया गया तो उल्टा कर लो, सी ए बी कर लो, तो सी ए बी हो जाएगा। बी ए सी या सी ए बी में से जो भी ऑप्शन होगा उसको आप करेक्ट टिक कर दोगे, ठीक है। डी ऑप्शन होगा बेटा, डी होगा। निखत थैंक यू बेटा, समझ में आया बेटा। नहीं नन नहीं बेटा, चूंकि यहां पर मैंने जो निकाला वो बी ए सी है। अब देखिए सी और ए, यहां पर बी और सी के बीच 10 यूनिट था ना, तो सी और मैं ऐसे भी तो लिख सकता था, सी और बी के बीच 10 यूनिट, है ना, ऐसे भी मैं लिख सकता था। फिर यहां पर ए और सी के बीच में 7 था तो मैं यहां ए लिख सकता था, तो सी ए बी, है ना। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ए बी या बी ए सी, एक ही ऑप्शन आपको मिलेगा एग्जाम में। क्लियर है बेटा? चलिए क्लियर है तो लाइक भी करते रहे और जल्दी जल्दी बताते भी रहे। फॉर्मेशन ऑफ बाइकार्बोनेट आयन एंड हाइड्रोजन आयन इज फास्ट नियर। बाइकार्बोनेट आयन किसके नजदीक बनेगा बेटा, जहां CO2 ज्यादा होगा ना, जहां CO2 ज्यादा होगा वहीं तो कार्बोनिक एसिड बनेगा, और जब कार्बोनिक एसिड बनेगा तो डिसोसिएट होगा और बाइकार्बोनेट आयन बनेगा और प्लस हाइड्रोजन आयन बनेगा। तो CO2 कहां पर ज्यादा होगा, जहां पर CO2 रिलीज होगा, यानी टिश्यू साइट पर, टिश्यू साइट पर CO2 ज्यादा हो। क्लियर बेटा? What is the net amount of ATP produced in aerobic glycolysis process? ध्यान दीजिएगा, aerobic glycolysis में कितना net ATP का production होता है? तो glycolysis में total 10 ATP बनते हैं, 2 ATP खर्च हो जाते हैं, तो इसका मतलब net gain कितना हो गया, 8 ATP का net gain होगा। ये NTA में पहले भी मैं करा चुका हूँ। From the following, select the characteristic feature that is not correct for balanoglossus. Balanoglossus किसका member है? Hemichordata का member है. Hemichordata. चलो अब देखते हैं. Belong to phylum that link to non-chordate and chordate. बिल्कुल. Hemichordata, non-chordate और chordata के बीच का connecting link है. ये मैंने आपको कराया है special surprise session में. Excretory organ is proboscis gland. एकदम सही है. Circulatory system is closed type. एकदम गलत है क्योंकि open type होता है. Fertilization external. एकदम सही, तो गलत क्या है, सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। क्लियर है, सी ऑप्शन गलत होगा। 9 क्यों कर रहे बेटा, अभी
सेलेक्ट द ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग दैट रिलेट टू द स्टेटमेंट गिवन द मास ऑफ लिविंग मटेरियल एट ए ट्रॉफिक लेवल एट ए पर्टिकुलर टाइम. एक ट्रॉफिक लेवल पर जो लिविंग मटेरियल का मास होता है दैट इज नेम्ड एज स्टैंडिंग क्रॉप. स्टैंडिंग क्रॉप, स्टैंडिंग स्टेट में जो न्यूट्रिएंट होते हैं सॉइल में उससे स्टैंडिंग स्टेट कहते हैं. स्टैंडिंग क्रॉप हो जाएगा ये. क्वेश्चन नंबर 10, विच माइक्रोब हेल्प इन प्रोवाइडिंग द एंटीबायोटिक इरिथ्रोमाइसिन एंड क्लोरामफेनिकॉल. ये मैंने स्पेशल सरप्राइज सेशन में करा और बेटा ये वाला पॉइंट मैंने प्रीमियम में कल करा दिया था. इरिथ्रोमाइसिन और क्लोरामफेनिकॉल किससे, इरिथ्रोमाइसिन किससे मिलता है, स्ट्रेप्टोमाइसिस इरिथ्रियस से, और क्लोरामफेनिकॉल स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनिजुएली से, यानी स्ट्रेप्टोमाइसिस स्पीसीज से ऑप्टेन किए जाते हैं ये एंटीबायोटिक. क्लियर बेटा, ये सब मैंने पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर रखी है. ठीक है, ये सारी पीडीएफ भी मैंने प्रोवाइड कर रखी है. चलो करेक्ट कॉम्बिनेशन बताना रिसेंटली एक्सटिंक्ट एनिमल में. ये क्वेश्चन एनटीए में पहले भी आ चुका है ना. तो डोडो कहां से एक्सटिंक्ट हुआ, फ्रॉम द मॉरिशस. क्वेगा कहां से, अफ्रीका से. थाइलेसिन कहां से, ऑस्ट्रेलिया से. और स्टिलर सिकाओ कहां से, रसिया से. तो ए फोर टू थ्री ये भी ऑप्शन हो जाएगा. 11 का बी हो जाएगा. क्लियर. चलो अगला क्वेश्चन देखो तुम लोग. क्वेश्चन नंबर 12, सेलेक्ट द न्यूक्लियोसाइड. इनमें से न्यूक्लियोसाइड आपको सेलेक्ट करने बेटा, न्यूक्लियोसाइड सेलेक्ट करने. कौन से न्यूक्लियोसाइड है, करेक्ट ऑप्शन बताना है आपको. थोड़ा सा पानी निकाल लेता हूँ. ठीक है, आप बताते रहो और अपने फ्रेंड्स को भी इन्वाइट करो. तुम लोग क्या कर रहे हो बच्चों. ठाकुर ये लाइक मुझे दे दे. चलो तो बेटा देखिए, एडिनोसिन की अगर हम बात करें, एडिनोसिन और यूरिडिन ये दोनों क्या हैं, न्यूक्लियोसाइड हैं. और ये दोनों यूरिडाइलिक एसिड और साइटलाइडाइलिक एसिड क्या हैं, दीज आर न्यूक्लियोटाइड. ये दोनों न्यूक्लियोटाइड. आपसे पूछा न्यूक्लियोसाइड कौन है, तो 1 और 3 तो बी ऑप्शन हो जाएगा. आपने बी किया तो सही है, डायलॉग सही है. अच्छा मेंटी के लिए, अरे बेटा नेट तो चलने लगा है 2 दिन से, वरना तो लाइव सेशन भी नहीं हो पा रहा था. चलो सेलेक्ट द ऑप्शन रिगार्डिंग दिस डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन. ये डायग्राम आपको दिया गया और आपसे पूछा गया है कि इसमें आपको ऑप्शन बताना. तो ये देखिए, एक क्रोमोसोम दिखाई दे रहा है जिसमें 2 क्रोमेटिड नजर आ रही है. एक ये क्रोमेटिड है, एक इसके सिस्टर है, और बीच में सेंट्रोमियर से अटैच है. अब यहां पर क्या हुआ, सेंट्रोमियर टूट गया, दोनों सिस्टर क्रोमेटिड अलग हो गई, तो क्या हुआ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13 में क्या करोगे, सेंट्रोसोम क्यों लिखा है बेटा, सेंट्रोमियर होना चाहिए, है ना, ये सेंट्रोमियर होना चाहिए. शायद मिसप्रिंट हो गया टाइप करने में. सेंट्रोमियर डिवीजन ड्यूरिंग एनाफेज. ठीक है, सेंट्रोमियर डिवीजन ड्यूरिंग एनाफेज. ठीक है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा. ठीक बेटा, ये मिसप्रिंट हो गया थोड़ा सा. मैच द फॉलोइंग करेक्टली. चलिए मैच करिए. पीनियल ग्लैंड से कौन सा हार्मोन निकलता है, पीनियल ग्लैंड से निकलता है मेलाटोनिन. थायराइड से टेट्राहाइड्रोथायरोनिन थायरोक्सिन. ओवरी से एस्ट्रोजन. और एडनल मेडुला से एपिनेफ्रिन. तो A2 B4 C3. हाँ, A2 B4 C3, यानी D ऑप्शन हो जाएगा. क्लियर है. चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं. द जायगोसिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फॉर ए पर्टिकुलर फिनोटाइप कैन बी आइडेंटिफाई बाई क्रॉसिंग इट विद. जायगोसिटी का मतलब दो तरह की जायगोसिटी, मतलब जो ऑर्गेनिज्म है वो होमोजाइगस है, होमोजाइगोसिटी, या फिर हेटरोजाइगोसिटी. ये हमें चेक करना है. होमोजाइगोसिटी या हेट्रोजाइगोसिटी को चेक करना है अगर हमें, तो उसके लिए हम किससे क्रॉस कराते हैं, रिसेसिव पेरेंट. तो चारों ऑप्शन में बी ऑप्शन रिसेसिव है, तो इसके साथ क्रॉस कराएंगे. दैट इज एक्चुअली टेस्ट क्रॉस. ये टेस्ट क्रॉस के बारे में बात कर रहा. कुछ समझ में आया बेटा, ये टेस्ट क्रॉस की बात कर रहा है.
बायोगैस इज द कंपोजिशन ऑफ सर्टेन गैसेस, सेलेक्ट द वन दैट इज नॉट करेक्ट। तो बेटा बायोगैस में मीथेन होता है, सीओ टू होता है, हाइड्रोजन होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड तो होता ही नहीं है, तो फिर यही गलत हो जाएगा। देखिए मीथेन 50 से 70%, सीओ टू 30 से 40% और हाइड्रोजन 1 से 5%, और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस भी होती है। बायोगैस या गोबर गैस में 4 मेन कंपोनेंट होते हैं, मीथेन, सीओ टू, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन सल्फाइड। आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयरिंग रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ हेटरोक्रोमेटिन। हेटरोक्रोमेटिन कैसा होता है? डेंसली पैक्ड एंड स्टेन डार्क, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइडेंटिफाई द लेबलिंग 1 and 2 विद द सिग्निफिकेंस ऑफ द जोन और लेयर ऑफ द एटमोस्फियर। देखिए ये आपको 1 दिखाया गया है और ये आपको 2 दिखाया गया है। जो 1 है बेटा ये ट्रोफोस्फियर, एक्चुअली 1 इज ट्रोफोस्फियर और जो 2 है ये स्ट्रेटोस्फियर आपको दिखाया गया, स्ट्रेटोस्फियर। तो आप तो जानते हैं गुड ओजोन कहाँ होती है, स्ट्रेटोस्फियर में, बैड ओजोन कहाँ होती है, ट्रोफोस्फियर में। तो ए इज बैड ओजोन ट्रोफोस्फियर एंड 2 गुड ओजोन स्ट्रेटोस्फियर, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बहुत बढ़िया सवाल, एनटीए के ने कुछ सवाल तो वाकई में बहुत बढ़िया बनाए। फिगर दिखाई दे रहा होगा क्लियरली, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर डिटरमाइन द करेक्टली डिस्क्राइब सेलुलर पार्ट। पहला क्या, थायलाकॉइड फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक फॉर्मिंग द ग्रेन ऑफ थायलाकॉइड, तो सही है, तो बाकी गलत होंगे देख लेना तुम लोग। एल्बो, घुटना, नी, कुहनी, फिंगर ज्वाइंट एंड टू ज्वाइंट, एंकल आर गुड एग्जाम्पल ऑफ। तो आप तो जानते हैं नी और एल्बो तो जानते ही हैं हिंज ज्वाइंट का एग्जाम्पल होते हैं। विच वन विल बी द मॉलिकुलर फॉर्मूला ऑफ सुगर इन्वॉल्व इन मेकिंग आरएनए। आरएनए के बनाने में कौन सी सुगर इन्वॉल्व होती है, राइबो सुगर का इन्वॉल्वमेंट होता है। राइबो सुगर का फॉर्मूला क्या है बेटा, C5H10O5, ठीक है। जो ये राइबो सुगर है एक पेंटोज सुगर है, मोनोसैक्राइड, और मोनोसैक्राइड का फॉर्मूला होता है HCNH2NO, और पेंटोज सुगर है तो 5 होंगी, तो एन की वैल्यू 5 रखिए आपको आंसर मिल जाएगा, है ना। क्लियर है बेटा, बताते रहो साथ साथ जल्दी जल्दी तुम लोग। द करेक्ट इनऑर्गेनिक, और तेज करें क्या स्पीड और पढ़ाते हैं। द इनऑर्गेनिक कंटेंट ऑफ एंजाइम नाइट्रोजिनेज, नाइट्रोजिनेज एंजाइम नाइट्रोजन फिक्सेशन में रोल प्ले करता है, दैट इज मॉलिब्डेनम आयरन प्रोटीन होता है। पार्ट ऑफ स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब वाटर एंड वाया फिसेस इट इज एक्सक्रीटेड। अरेंज दिस इन ऑर्डर ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब और सिक्रेटेड फ्रॉम ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट। अच्छा तो कह रहे कि कौन वाटर को सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करता है, उससे कम की तरफ चलना है। तो सबसे ज्यादा वाटर का एब्जॉर्प्शन तो कोलन में होता है, कोलन में, कोलन के बाद हो जाएगा, कोलन के बाद हो जाएगा इलियम, कोलन के बाद इलियम हो जाएगा और फिर जेजुनम हो जाएगा। मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन लार्ज इंटेस्टाइन के कोलन में होता है, उसका रीजन भी शायद आप जानते हो कुछ हॉस्ट्रा के बारे में, है ना, टीनिया कोलाई के बारे में आपने पढ़ा होगा, है ना, कुछ पढ़ा है ऐसा कभी आपने। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बी हो जाएगा, है ना। वैसे एनटीए का जो मॉक टेस्ट है उसमें शायद उल्टा दे रखा है बेटा, उसमें ऑप्शन एनटीए ने सी दे रखा है, इस क्वेश्चन में एनटीए ने सी ऑप्शन दे रखा है, जबकि मेरे हिसाब से बी ऑप्शन सही होना चाहिए, क्योंकि ग्रेटेस्ट से स्मॉलेस्ट पूछा है, अगर स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट पूछता तो आपका ऑप्शन सी सही होता, ठीक है। अच्छा तुबा करें सर थोड़ा धीरे, अच्छा तो अभी तो तुम लोग कहते सर तेज कराइए तेज कराइए, अब क्या हो गया बताओ। हाँ, आइडेंटिफाई द वन दैट रिलेट टू वन ऑफ द की कॉन्सेप्ट ऑफ डार्विनियन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन द ब्रांचिंग डिसेंट। करें डार्विनियन थ्योरी में जो की कॉन्सेप्ट होता है, एक तो की कॉन्सेप्ट क्या होता है, दो की कॉन्सेप्ट होते हैं, नेचुरल सिलेक्शन और ब्रांचिंग डिसेंट। तो ब्रांचिंग डिसेंट का मतलब क्या, ब्रांचिंग डिसेंट का मतलब एक ऑर्गेनिज्म है और एक ऑर्गेनिज्म यहां पर ब्रांचिंग करता, ब्रांचिंग डिसेंट मतलब इस ऑर्गेनिज्म से दो अलग अलग और तरह के ऑर्गेनिज्म बनते हैं लेकिन दोनों की ओरिजिन तो सेम हो गई। तो अगर एक से ही दो ऑर्गेनिज्म बनते हैं लेकिन दोनों की ओरिजिन सेम है लेकिन दोनों ने अलग अलग हैबिटाट में अडॉप्टेशन किया इसलिए अलग अलग नजर आते हैं, ठीक है, अडॉप्टेशन के लिए अलग अलग हो गए लेकिन दोनों की ओरिजिन सेम है तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, होमोलॉगी को। ये नया सवाल है एनटीए का, बहुत बेहतरीन सवाल है ये। सेलेक्ट द कॉम्बिनेशन दैट करेक्टली मैचेस बोथ कॉलम।
आइदर स्ट्रक्चरली फंक्शनली और बेस्ड ऑन लोकेशन। ठीक है, चलिए करते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 25, आप करिए फिर बताइएगा। आदित्य थैंक यू बेटा। हाँ, की कॉन्सेप्ट एक नेचुरल सिलेक्शन भी होता है डार्विनियन थ्योरी का, कई बार मैंने कराया क्वेश्चन। चलो आप मुझे ये बता दो जल्दी से। हाँ ठीक है, क्या करोगे क्वेश्चन नंबर 25 में? फोविया सेंट्रेलिस किससे मैच करा सकते हो? फोविया सेंट्रेलिस, इसको केवल ब्लाइंड स्पॉट से मैच कराया जा सकता है। पेरिलिम्फ इनर ईयर, ठीक है। विट्रस ह्यूमर, जिलेटिनस टिश्यू एंड रेजिनर मेम्ब्रेन, वेस्टिबुलर मेम्ब्रेन, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या मिला हमें? सी मिला ना, ठीक है, 25 का सी। हाँ ठीक है, चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेस्टिजियल ऑर्गन, कौन सा वेस्टिजियल ऑर्गन नहीं? प्रेजेंस ऑफ टेल इन न्यूली बॉर्न ह्यूमन बेबी, बेटा न्यूली बॉर्न ह्यूमन बेबी में जो टेल होती है वेस्टिजियल ऑर्गन नहीं, जानते किसका एग्जाम्पल है? दिस इज एटविज्म। वेस्टिजियल ऑर्गन उन्हें कहते हैं जो ह्यूमन में, जो हमारे पूर्वजों में फंक्शनल थे, हम लोगों में है जरूर लेकिन फंक्शनल नहीं, जैसे विजडम टीथ हो गया वेस्टिजियल है, अपेंडिक्स हो गया, हाइंड लिंब बोन एंड पेल्विक गर्डल इन पाइथन एंड व्हेल, ये भी वेस्टिजियल है। तो जो प्रेजेंस ऑफ टेल है ये एटविज्म का एग्जाम्पल है। एटविज्म टर्म तब यूज करते हैं बेटा जब जो करेक्टर, जो फीचर ह्यूमन में ना हो लेकिन वो फीचर अचानक किसी बच्चे में डेवलप हो जाए, उसे कहते हैं एटविज्म या रिवर्जन। विच ऑफ द फॉलोइंग विल प्रोड्यूस एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, मतलब एटीपी, बाय सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन का मतलब बिना ईटीएस में गए हुए एटीपी का बनना। तो फॉस्फोइनाल पाइरुवेट से जब पाइरुवेट यानी पाइरुविक एसिड बनता है तब एटीपी का जनरेशन होता है। क्लियर बेटा? 27 का आंसर। बेटा जो आंसर आप लिखते हैं, अच्छा नीरज करे सांस लेने दिया करिए, चलो ठीक है, तुम लोग सांस लो थोड़ी सी, तब तक मैं पानी पीता हूं। कितना टाइम तुम लोग को दिया करें क्वेश्चन में? अंजू राउत बेटा एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब होता है कि अगर जो इम्प्लांटेशन है वो यूट्रस के अलावा और कहीं फेलोपियन ट्यूब में हो जाए, सर्विक्स में हो जाए, तो उसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। ट्वेंटी एट बताओ। सोमैटिक हाइब्रिड आर प्रोड्यूस बाय, सोमैटिक हाइब्रिड याद है पोमेटो, हाँ सोमैटिक हाइब्रिड कैसे प्रोड्यूस होते हैं? फ्यूजन ऑफ आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट। कितना समय चाहिए तुम लोगों को एक क्वेश्चन में? 15 सेकंड का समय चाहिए मुझे लग रहा है, ठीक है मैं 15 सेकंड का टाइम दिया करूंगा, मैं दो बार पानी पीऊंगा, ठीक है, और तुम लोग उतनी देर में आंसर कर लेना, ठीक। चलो ये फिगर है, बताओ जरा इस फिगर को देखो और पहचानो। हेट्रोफिली पूछा गया बेटा, ये हेट्रोफिली बेटा किसकी वजह से जानते हैं बेटा? ये हेट्रोफिली है हैबिटाट की वजह से, है ना, हैबिटाट की वजह से। वाटर में जो प्लांट है उसमें देखिए उसकी पत्तियां अलग हैं और जो टेरेस्ट्रियल प्लांट उसकी पत्तियां अलग हैं। तो ये हेट्रोफिली कहां पर पाई जाती है? ये हेट्रोफिली है बटरकप में होगा। कॉटन कोरिएंडर लार्क स्पर में जो हेट्रोफिली होती बेटा वो होती है फेजेस ऑफ लाइफ की वजह से, जुवेनाइल फेज की पत्तियां और एडल्ट प्लांट की पत्तियां अलग दिखाई देती हैं। क्लियर, ये हैबिटाट, हाँ बिल्कुल हैबिटाट की वजह से डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। HCG इज प्रोड्यूस्ड बाय, यहां कुछ नई चीज मिलेगी, HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। अब ध्यान दो इसमें। नितेश बेटा अभी पहले यूजी के लिए हम लोग पढ़ लें, ठीक है, ये पीजी वाला पढ़ते रहना, तुम लोग क्यों परेशान हो, ये सब तुम लोग MBBS के क्वेश्चन अभी पूछ रहे हो, नीट वाला पढ़ लो पहले बेटा। HCG को कौन प्रोड्यूस करता है? प्लेसेंटा। तो तीनों ऑप्शन में प्लेसेंटा तो है नहीं, चौथा ऑप्शन प्लेसेंटा, तो यानी ऑप्शन तो डी होगा, लेकिन ये देखिए सिंसाइसियो ट्रोफोब्लास्टिक सेल ऑफ प्लेसेंटा, ये पूरा पॉइंट याद कर लोगे तो और बेहतर रहेगा, है ना, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फिगर्स गिवन बिलो। तो पहचान ले रहे होगे ना ये क्या दिखाई दे रहे हैं, जो स्पोर, ये कोनिडिया है, देखो कोनिडिया लिखा भी है, ये क्या है बड, ये दो बड लिख भी दी, और ये क्या है जेम्यूल ऑफ स्पॉन्जेस, है ना। अब आप ये तो फिगर हो गए, अब आप देखिए क्वेश्चन करें, ए सोज ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू जो स्पोर इन क्लेमाइटोमोना, सही है। बी सोज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू कोनिडियो स्पोर इन पेनिसिलियम, बेटा कोनिडिया तो एसेक्सुअल है ना, तो गलत हो गया। सी सोज बड इन हाइड्रा, सही है। डी सोज जेम्यूलिन स्पॉन्स, सही है। तो इसका मतलब सही स्टेटमेंट कौन सा है, 1, 3, 4 सही है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 31 का डी आया सबका, 31 का डी आया, ठीक है। चलो 32 पे चलो, क्वेश्चन नंबर 32, सैटेलाइट डीएनए हैज प्रूवन टू हैव ए ह्यूज एप्लीकेशन इन द, देखिए सैटेलाइट डीएनए का यूज कहां पर करते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में यूज करते हैं। और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का एप्लीकेशन कहाँ है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज किया जाता है कहां पर, फॉरेंसिक साइंस में, क्राइम का पता लगाने के लिए इसका यूज किया जाता है सैटेलाइट डीएनए। आइडेंटिफाई द रीजन फॉर फोटो रेस्पिरेशन नॉट अकरिंग इन सी4 प्लांट, सी4 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन क्यों नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 33, क्या आप जानते हैं सी4 प्लांट में जो केल्विन साइकिल होती कहां चलती है, सी4 प्लांट में केल्विन साइकिल कहां पर चलती है, केल्विन साइकिल चलती बंडल शीथ में, और बंडल शीथ में अगर CO2 का कंसंट्रेशन हाई रहेगा तो फिर रूबिस्को एंजाइम ऑक्सीजनेज एक्टिविटी नहीं शो कर पाएगा और इस वजह से फोटो रेस्पिरेशन नहीं होगा। इंट्रा सेलर कंसेंट्रेशन ऑफ CO2 इज हाई इन बंडल सीथ, बी ऑप्शन करेक्ट है। बेटा क्रैश कोर्स पढ़िए अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 34, वेनेशन रिलेट टू, वेनेशन किससे रिलेटेड है बेटा, वेनेशन, वेनेशन इज अरेंजमेंट ऑफ वेन एंड वेनलेट इन ए लेमाइना, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, ये पढ़ लो थोड़ा सा तुम लोग, तब तक मैं एक बैग और लेता हूँ पानी का। अनुराग सर स्टील का ग्लास क्यों यूज करते हैं, राज करे सोडा भी मिला लो सर, अरे नालायक को मैंने आज तक टच नहीं किया, बात करते हैं। अच्छा इसमें क्या कर रहे हो बेटा, फ्रॉम द फॉलोइंग डिटरमाइन विच वन इज कनेक्टेड बाय एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, बेटा एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू पूछ रहा, बोन को बोन से कौन जोड़ता है, मैंने 1,00,000 बार बताया होगा, बल्ब लिगामेंट, लिगामेंट जोड़ता है, बोन को मसल से कौन जोड़ता है, ये मैंने बताया टेंडन। अब मसल को नर्व से तो कोई जोड़ता नहीं है, ठीक, मसल और नर्व तो जुड़ी नहीं होती। अब जो इंटिगमेंट होते हैं इनको मसल से जोड़ने का काम एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा किया जाता है, ठीक है। अच्छा हाँ सही बात है, गलत बात होती है ना। सम स्ट्रक्चर विद देयर फंक्शन आर गिवन बिलो, मार्क द रॉन्गली मैच वन, क्वेनोसाइट जनरेशन ऑफ वाटर करेंट, सही है। न्यूमेटिक बोन स्केलेटल सपोर्ट, नहीं बेटा ल्यूमेटिक बोन तो उड़ने में सहायक होती है ना, रेडुला फीडिंग में मदद करता मोलस्का में, सही है। स्टेटोसिस बैलेंस ऑर्गन आर्थ्रोपोडा में, सही है। तो बी ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा, टच नहीं किया। अच्छा भूमिका, हाँ नहीं गलत बेटा, बहुत गलत बात है। एमटीपी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज ए प्रोसेस टू गेट रिड ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर एमटीपी, आपसे पूछा गया कि एमटीपी के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो पहला ऑप्शन क्या है, एमटीपी अकाउंट फॉर नियरली 1/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कंसीव्ड प्रेगनेंसी इन ए ईयर ऑल ओवर द वर्ल्ड, बिल्कुल सही है। एमटीपी हैज ए सिग्निफिकेंट रोल इन डिक्रीजिंग द पॉपुलेशन, ये भी सही है। एमटीपी इज एन इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रोसेप्टिव मैथड टू कंट्रोल द साइज ऑफ द पॉपुलेशन, गलत है।
एमटीपी भले ही पॉपुलेशन को कंट्रोल करती लेकिन ये कोई कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मान लो तुम डॉक्टर बन गए, कोई तुम्हारे पास कपल आया और उसने कहा कि इस डॉक्टर साहब बताइए कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज करे, तो तुम उसे बता दो एमटीपी यूज कर लो। अबे एमटीपी कोई कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड नहीं है। और कहीं कोई कपल अभी नई नई शादी हुई है तुम्हारे पास आया सलाह लेने के लिए कि डॉक्टर साहब बताइए कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज करें, और तुमने उसको कहा नसबंदी करवा लो, तुमने नसबंदी कर दी तो बेचारा क्या करेगा, सोचो। तो एमटीपी लीगलाइज किया गया 1971 में भी, सही। तो सी यहाँ पर गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। तो जो नसबंदी बेटा वो टर्मिनल मेथड है जिसे स्टलाइजेशन कहते हैं, सर्जिकल मेथड है ना, तो सर्जिकल स्ट्राइक तुम मत कर देना, ठीक है। सर्जिकल स्ट्राइक उनके लिए होता है जिनके पहले से एक दो तीन बच्चे हों और फिर उनको और बच्चे नहीं चाहिए, ठीक है। तो उनमें वैसेक्टमी ट्यूबेक्टमी, ठीक है। अच्छा हाँ, ये बात सही कही तुमने। चंद्रकांत वर्मा कह रहे कि मान क्या ले सर, बनना है बिल्कुल ये बात होनी चाहिए। मैंने कहा ना मान लो तुम डॉक्टर हो, तो कह रहे मान क्या ले, डॉक्टर तो बनना ही है, क्या बात है। कह रहे कि बाद में बोलेगा कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। अबे जब तुम उसका पेपर ही, कैंसिल कर दिए तो रिजल्ट कहाँ से आएगा, तुमने तो उसका पेपर ही कैंसिल कर दिया, पेपर लीक नहीं किया तुमने, तुमने पेपर कर दिया कैंसिल, तो कहाँ से रिजल्ट आएगा। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस सच एज सुगर आर ट्रांसलोकेटेड इन द फ्लोएम, दिस फिनोमिनन इज शोन बाय, कौन सा एक्सपेरिमेंट करते हैं, गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट या फिर रिंगिंग एक्सपेरिमेंट कहते हैं, गर्डलिंग या रिंगिंग एक्सपेरिमेंट। देखिए अब क्वेश्चन रिपीट होने ज्यादा शुरू हो गए है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 39, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट थ्रू लिम्फ, लिम्फ से फैट का एब्जॉर्प्शन कौन करता है, लैक्टियल ऑफ इंटेस्टाइनल विलाई। बेटा पहले बीएससी एग्रीकल्चर अपना नाम तो सही कर लो, क्या है मतलब नाम तुम्हारा बीएससी एग्रीकल्चर है, बीएससी खेती नाम है तुम्हारा। अरे खेती भैया, थोड़ा नाम ठीक ठाक रख लो है? 40 पे चलो, कंप्लीट द सेंटेंस, चलो सेंटेंस कंप्लीट करो। प्रेजेंस ऑफ दिस इन द सॉयल हेल्प इन पॉलिशिंग फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप, क्या प्रेजेंट होता है, प्रेजेंस ऑफ बताओ, ये बात किसकी हो रही है, ये बात हो रही बेटा डायटम्स के बारे में, डायटम्स के बारे में बात हो रही। अब आप सोचो अब खेती, हाँ किसान रख लो, मतलब खेती नाम रखे हो, मतलब कोई लॉजिक है, खेती कोई नाम है। तो अब डायटम किसके मेंबर है बेटा, डायटम क्राइसोफाइट के मेंबर हो जाएंगे, तो डायटम की जो सेल वॉल होती है उस सेल वॉल का जो डिपोजिशन होता है उसे डायटोमेसियस अर्थ कहते हैं, और डायटोमेसियस अर्थ का यूज किया जाता है पॉलिशिंग फिल्ट्रेशन ऑयल एंड सीरप। क्लियर, सी क्यों कर रहे हो बेटा, डेसिमेट क्यों कर रहे हो, क्राइसोफाइट में डायटम और डेसमिट दोनों होते हैं, डेसमिट और डायटम एक ही चीज नहीं है, ठीक है। नमूने रख लो। सी क्यों किए दे रहे हो। खेती वर्मा। खेती बंजर। चलो आइडेंटिटी, ज्यादा मजाक नहीं उड़ाना चाहिए किसी का, चलो पढ़ाई करो। आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयरिंग फ्रॉम बिलो, करेक्ट पेयर बताना है क्वेश्चन नंबर 41 के लिए। अच्छा कैसिया, कैसिया एंड गुलमोहर इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन, ठीक है। लेडी फिंगर, भिंडी में ट्विस्टेड, बिल्कुल। कैलाट्रॉपिस वेक्सिलरी, नहीं बेटा कैलाट्रॉपिस में वेलवेट होता है ना, हाँ कैलाट्रॉपिस में तो वेलवेट होता है। लिली एपिफिल, एपी पेटलस, नहीं बेटा लिली में लिली लिलियेसी, तो एपी टेपलस होगा, एपिटेपलस या एपिफिलस कह सकते हो। एलेस्टोनिया वर्ल, हाँ ये ठीक है। सिल्क कॉटन पिनेटली, नहीं बेटा पॉमेटली कंपाउंड लीफ है ना, पॉमेटली कंपाउंड लीफ। तो करेक्ट ऑप्शन क्या किया आपने, ए किया बेटा। नीतीश कह रहे कि अपना नाम बदल ही देंगे या फिर यहां से डिसलाइक करके चले जाएंगे, ये भी तो हो सकता है नालायकों, इतना मजा किसी का लोगे
तो यहाँ रुकेगा, भाग गया, डिसलाइक भी कर गया होगा, उसको नहीं पसंद आया। चलो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, चलिए देखते हैं क्या है। द इनहिबिटर क्लोजली रिजेंबल द सबस्ट्रेट, इनहिबिटर सबस्ट्रेट से रिमिलेंस शो करता है इन इट्स मॉलिकुलर स्ट्रक्चर एंड इनहिबिट द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, बिल्कुल सही है। दे कैन नॉट बी यूज टू कंट्रोल बैक्टीरियल पैथोजन, नहीं बेटा इनको यूज करते हैं बैक्टीरियल पैथोजन को कंट्रोल करने में, तो बी ही इनकरेक्ट हो गया, सी डी तुम लोग पढ़ लेना। ओके बेटा, सेलेक्ट द वन दैट सपोर्ट द डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन इन टिश्यू, टिश्यू में ऑक्सी हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन, टिश्यू में क्या होता है, टिश्यू में पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन कम होता है ना, लो PO2 हाई PCO2, ये सारे फैक्टर हैं जो डिसोसिएशन कराते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलो ये आप बताओ, द ऑर्गन इन्वॉल्व इन द रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैन बी ग्रुप्ड एज प्राइमरी एंड सेकेंडरी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, चलो पहचान में से कौन सा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन नहीं है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वो होता है जो गैमेट का फॉर्मेशन करे, बेटा नीलम रिफ्रेश कर लेना, आ जाएगा सेकंड भी आ जाएगा, ठीक है, प्रीमियम वाली केमिस्ट्री की वीडियो आ जाएगी, रिफ्रेश कर लेना उसको, ठीक है। पढ़ाते समय भी तुम लोग दम नहीं लेने देते हो ना। चलो जल्दी से बताओ क्वेश्चन नंबर 44, तो आसान क्वेश्चन है बेटा, इसमें क्यों, हाउ इज द जोश, हाउ इज द जोश, हाउ इज द जोश, ओवरी ओवरी, तो ओवरी ओनली 4 है ना, ओवरी इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, बाकी सब सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है। क्वेश्चन नंबर 45, ए टिपिकल प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन इन ह्यूमन सेल अप्रोक्सीमेटली लास्ट फॉर, सेल डिवीजन, ए टिपिकल प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन, ये बढ़िया सवाल है, ये बता दिया तुमने, मान गए तुमने सेल डिवीजन पढ़ा है। अच्छा तुम लोग कभी ऐसा भी हुआ कि जैसे मैं पढ़ा रहा हूं अभी, जैसे लाइव अभी मैं पढ़ा रहा हूं, कुछ लोग ऐसा, तो इनको नींद आ जाती है, क्या ऐसा भी होता है? कोई नाम रख दिया, खेती यादव, वे नालायक। हाँ बेटा, अब ले कुछ लोग करें फास्ट कराओ, कुछ लोग करें स्लो कराओ, 10:16 पे मैंने स्टार्ट किया था, अब आप जोड़ लो कितना टाइम हुआ है, 10:16 पे मैंने स्टार्ट किया था और 10:51 हो रहा है, कितना टाइम हुआ आप जोड़ो जरा, 40 मिनट हुआ है, 45 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। तो यहां पर बेटा आपसे पूछा है सेल डिवीजन, सेल डिवीजन क्या है, एम फेज, सेल साइकिल नहीं पूछा है, तो एम फेज तो अबाउट एन आर 1 घंटे में पूरी हो जाती है, ये जो सी कर रहे हैं वो बेटा सेल साइकिल की ड्यूरेशन बता रहे, क्वेश्चन में उसने सेल साइकिल पूछा ही नहीं है, सेल डिवीजन पूछा है। कुछ समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों, योगेश, केंद्र प्रकाश, अब आंसर मत बदलना तुम लोग, ठीक है, इनका गलत हो गया ठीक है। ऋषभ कह रहे सर दिन पर दिन आप फेयर होते जा रहे हैं, क्रीम कौन सी यूज कर रहे हैं, अबे नालायक मैं बचपन से ऐसा था, क्रीम, क्रीम क्या होती है नालायक। अच्छा पारुल कह रहे एक दिन सोए थे जब 12 बज गया था, बेटा ये बहुत गलत बात है, मैं यहां जान निकाले दे रहा हूं, तुम लोग सो रहे हो, चलो फिर आधे क्वेश्चन हो गए, 50 कुछ टाइम लगा तुम लोगों को, लग रहा है कि कुछ टाइम लगा, आधे क्वेश्चन हो गए। अच्छा अभिजीत बेटा ऐसी गलती के लिए मैं ब्लॉक भी कर सकता हूं, ठीक है।
फियर एंड लवली, देखो मुस्ताकिल का फियर एंड लवली, ये वाली क्रीम लगाना, फियर एंड लवली है ना, फियर एंड लवली लगा लेना, ठीक है। चलो क्वेश्चन का आंसर बताओ, अभी 45 में सब लोग गलत किए बैठे हो। फियर एंड लवली, फियर एंड लवली से केवल एक इंसान गोरा हुआ है, जानते हो कौन? यामी गौतम। बस बचपन से धोखा देती आ रही है, बचपन से धोखा दिया उसने। हाँ? कभी 7 हफ्तों में गोरा बनाया, कभी 7 दिन में गोरा बनाया, 5-5 रुपए कितनी कीमत तुम लोगों ने खरीद डाली, कौवे के कौवे ही रह गए, कुछ हुआ फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। जो सुंदरता है वो बेटा अंदर से आएगी, कॉन्फिडेंस से आएगी, है ना? आप खूब अच्छे से पढ़ाई करो, देखो दिन रात गोरे हो जाओगे, मार चमकते रहोगे, है ना, बिना लाइट के एकदम चमकदार। सीएफएल नहीं लगाना पड़ेगा घर में। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट कंसिडर्ड एज ब्रॉडली यूटिलिटेरियन? बेटा ब्रॉडली में क्या होता है, ब्रॉडली यूटिलिटेरियन जो होता है उसमें इनडायरेक्ट बेनिफिट होते हैं, नैरोली वाला डायरेक्ट बेनिफिट होता, तो पॉलिनेशन, फोटोसिंथेसिस, क्लाइमेट मॉडरेशन, ये तो ब्रॉडली हो गया। जो मेडिसिन है ये नैरोली यूटिलिटेरियन का एग्जाम्पल है, नैरोली, तो ब्रॉडली का कौन सा नहीं है पूछा है, तो मेडिसिन हो जाएगा, ऑप्शन डी है ना। हाँ सही मैंने कहा ना, हाँ काले और गोरे से कुछ होता भी नहीं, क्या फर्क पड़ता है। लोग इतने नालायक। चलो चूज द ऑप्शन विद द करेक्ट लेबल्स ऑफ डायग्राम, ये तो मैंने अभी जल्दी कराया था बेटा। ये क्या है, डेजर्ट है, ये क्या है ग्रासलैंड है, ये क्या है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, ये क्या है टेम्परेट है, ये क्या है कोनीफेरस है, और ये क्या है आर्कटिक एंड अल्पाइन टुंड्रा है, तो बस हम मैच कर लो। ए को डेजर्ट कह दिया इसने तो गलत हो गया ना, ए क्या है, ए यहाँ पर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, तो ये ऑप्शन खत्म कर दो। बी डेजर्ट कह रहा है तो बी डेजर्ट नहीं, एफ डेजर्ट है ना, तो इसको भी खत्म कर दो। सी कॉनिफेरस फॉरेस्ट कह रहा है, ये तो सही है। डी को टुंड्रा कह रहा है, हाँ ये भी सही है, और ए को डेजर्ट कह रहा है, ए को डेजर्ट, ये तो गलत हो गया। ए को ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कह रहा, सही है। बी टेम्परेट हो गया, सही है, और ई ग्रासलैंड हो गया, हाँ डी ऑप्शन हो गया। क्लियर हुआ बेटा? अच्छा खान साहब करें कि आप रणबीर कपूर से मिलते हो, वाह क्या बात है, तुमने तो दिल जीत लिया मेरा, वाह। हाँ अमेरिका में इसी बात पे प्रोटेस्ट चल रहा है ना, ब्लैक लाइव्स मैटर, काले गोरे होने से कुछ नहीं होता बेटा, ठीक है। आप पढ़ाई कर लो, डॉक्टर बन जाओगे, फेमस डॉक्टर होगे, तो पेशेंट ये थोड़ी कहेगा कि मुझे उस कलुआ डॉक्टर से नहीं दिखाना है, वो तो कहेगा अरे भाई कलुआ डॉक्टर तो बड़ा बढ़िया है ना, है बहुत काला लेकिन दवाई बहुत सटीक देता है ना। तो ये पेशेंट कभी पूछता तुमसे, या आपने कभी पूछा हो कि भाई एक डॉक्टर बहुत फेमस है वो काला है या गोरा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक्टर देख लो, हॉलीवुड में ज्यादातर एक्टर कलवे ही मिलेंगे आपको, क्या फर्क पड़ता है इससे। और हॉलीवुड की कोई भी मूवी हो, एक दो हीरो, एक दो हीरोइन उसमें कलवे मिल ही जाते हैं। क्या फर्क पड़ता है। एंजियोस्पर्म आर द मोस्ट डाइवर्स ग्रुप ऑफ प्लांट इन द प्लांट किंगडम, सेलेक्ट द स्टेटमेंट फ्रॉम बिलो एंड इट इज द करेक्ट रिलेट टू देम। चलिए बताइए एंजियोस्पर्म सबसे ज्यादा डाइवर्स ग्रुप है क्यों? करें विद इन एंजियोस्पर्म मोनोकॉट एंड डाइकॉट आर एनाटॉमिकली डिफरेंट, हाँ सही तो है। विद इन एंजियोस्पर्म मोनोकॉट एंड डाइकॉट आर मॉर्फोलॉजिकली एनाटॉमिकली डिफरेंट, हाँ ये ज्यादा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। मोनोकॉट और डाइकॉट की मॉर्फोलॉजी में भी अंतर होता है, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं बताऊं मॉर्फोलॉजी का, लीफ में, लीफ मोनोकॉट की पैरेलल विनेशन वाली होती है, डाइकॉट में रेटिकुलेट विनेशन होता है। एनाटॉमिकली में चले जाइए वेस्कुलर बंडल में, वेस्कुलर बंडल का जो अरेंजमेंट होता है अगर आप देखेंगे मोनोकॉट रूट में आप देखेंगे तो 6 से ज्यादा होंगे, डाइकॉट रूट में 2 से 4 हो जाएंगे, तो मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली दोनों तरह के डिफरेंस पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, चलो पढ़ते हैं। द वर्क डन ऑन द इवनिंग प्रिमरोज बाई ह्यूगो डेवरीज लेड टू द फाउंडेशन ऑफ म्यूटेशन थ्योरी, एकदम सही है। इस सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन आर नोन एज साल्टेशन एंड वर कंसिडर्ड टू बी मेन फैक्टर इन द कॉजिंग स्पीसीएशन, सही है। डार्विन एडवोकेटेड दैट वेरिएशन आर ऑलवेज लार्ज बट हेरिटेबल चेंजेस, ये गलत है।
डार्विन के अनुसार जो वेरिएशन होती हैं दीज आर स्मॉल एंड ब्रांचिंग डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन आर द टू की कॉन्सेप्ट ऑफ डार्विनियन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। ये सही है तो गलत क्या हुआ, सी ऑप्शन गलत हुआ, यही आंसर हो जाएगा। क्लियर बेटा। चलिए 50 पे आ जाइए। बिलो फिगर रिप्रेजेंट वन ऑफ द स्टेज ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट इन ह्यूमन। डिटरमाइन द रो दैट करेक्टली आइडेंटिफाई लेबल ए एंड बी विद देयर रेस्पेक्टिव फंक्शन। फिगर कहां पे आ चाहिए। चलो देखो फिगर, ये ए है और ये बी है। समझ में आ रहा क्या है, ये स्टेज पहचान रहे कौन सी स्टेज दिखाई गई। मुझे पहले इस स्टेज का नाम बता दो, क्योंकि हो सकता है आंसर तुम लोगों ने रट रखा हो। ये लोग कुछ लोग कह रहे फास्ट, कुछ लोग कह रहे स्लो, मतलब मैं क्या करूं, हाँ इसमें टाइमर लगा दूं ना लाइक। चलो टाइमर का जुगाड़ करता हूं इसमें भी। हाँ ये ब्लास्टोसिस्ट है, तो ए क्या है, ए इनर सेल मास हुआ, और बी क्या हुआ, बी हुआ ट्रोफोब्लास्ट। अब देखो जरा ऑप्शन और बताओ ए क्या है, ए है इनर सेल मास और बी है ट्रोफोब्लास्ट, तो बस पता चल गया। तीसरा ही ऑप्शन हो सकता है, फंक्शन ऑफ ए डिफरेंशिएशन एस एम्ब्रियो और बी का फंक्शन गेट अटैच टू एंडोमेट्रियम, ऑप्शन थ्री हो जाएगा। 51 पे आ जाओ। सेलेक्ट द स्टेटमेंट दैट इज नॉट करेक्ट फॉर एमआरएनए। इतना टाइम बचा के करोगे क्या ये बताओ मुझे, हाँ इतना टाइम बचा के क्या करोगे। 90 क्वेश्चन तुम लोगों के 90 मिनट से कम टाइम में हो जाते हैं, और टाइम बचा के करोगे क्या तुम लोग। मोनोसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए इनकोड ओनली वन प्रोटीन, बिल्कुल सही है। A non-interrupted gene is also called a split gene. ये गलत हो गया बेटा। Interrupted gene is called a split gene. Interrupted gene को split gene कहते हैं, तो ये not correct हो गया। B option 51 का B हो गया। Clear? चलो 52 पे आ जाओ। A person is found to be suffering from neuromuscular junction leading to fatigue, weakening and muscular paralysis of मसल पॉसिबली वाया ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। पता चल गया बस इतने से, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर मायस्थीनिया ग्रेविस। क्वेश्चन नंबर 53, विच ऑफ दिस फ्रूट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम पॉलीकार्पिलरी एपोकार्पस गाइनोशियम। मोनोकार्पिलरी सिनकार्पस ओवरी से सिंपल फ्रूट डेवलप होता है, पॉलीकार्पिलरी एपोकार्पस गाइनोशियम से एग्रीगेट फ्रूट डेवलप होता है, और कंपोजिट फ्रूट कंप्लीट कंप्लीट इनफ्लोरसेंस से डेवलप होता है। फॉल्स फ्रूट ओवरी के अलावा दूसरे किसी पार्ट से डेवलप होता है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, एनसीईआरटी में नहीं दिया गया, इंस्पेक्शन में मैंने आपको पढ़ाया है, वर्कबुक में दिया गया है, बायोनीट में दिया गया है। सेलेक्ट द स्टेटमेंट दैट आर करेक्ट कंडीशनल रिफ्लेक्स। कंडीशन रिफ्लेक्ट वाला याद है, इवान पेवलोव, वो कंडीशन था। अनकंडीशन क्या है, अनकंडीशन इनबॉर्न होते हैं, उन्हें सीखना नहीं पड़ता है। जैसे जब आप गिरते हैं तो आपके हाथ आगे आ जाते हैं, ये अनकंडीशन रिफ्लेक्स होता है, अनकंडीशन रिफ्लेक्स होता है। आपकी आंखों पे लाइट डाली जाए तो आपकी आंखें बंद हो जाती है, अनकंडीशन रिफ्लेक्स। कंडीशन रिफ्लेक्स क्या है, दैट इज जो कि हम सीखते हैं, जैसे साइकिलिंग करना, साइकिलिंग करना है, निटिंग, जो घर में आपने देखा होगा मम्मी दादी या बुआ है ना, या फिर मौसी देखता होगा स्वेटर बीनती है ठंडियों में, स्वेटर बीनती, बात करती रहती, इधर देखती रहती और स्वेटर बीनती रहती, आपको लगता है ये क्या है, और अगर आपको वही पकड़ा दिया जाए तो आप क्या करोगे, हाँ बीन पाओगे, नहीं कर पाओगे ना। अच्छा फिर साइकिलिंग का केस लीजिए, जब बचपन में साइकिलिंग आपको सिखाई जा रही थी तो उस समय आपने देखा था कि जब साइकिल चलाने के लिए आपसे कहा जाता था तो आप पैडल देखते थे, और उस जो सिखाता था आपको कहता था अरे सामने देखो सामने देखो सामने देखो। फिर धीरे धीरे जब आप सीख गए तो वो रिफ्लेक्स बन गया, साइकिलिंग एक रिफ्लेक्स बन गया, और जब रिफ्लेक्स बन गया तो आप हैंडल छोड़ के चलाते थे, है ना, इधर देखते चलाते थे, इधर देखते चलाते थे, नहीं तो ये क्या है, दैट इज कंडीशन रिफ्लेक्स, जो कि सीखना पड़ता है, एक्वायर्ड बाय प्रैक्टिस और लर्निंग। यस, डज नॉट एबॉलिश बाई लैक ऑफ प्रैक्टिस। नहीं बेटा, अगर आप प्रैक्टिस छोड़ दोगे तो खत्म भी हो जाएगा कंडीशन रिफ्लेक्स। अगर प्रैक्टिस छोड़ दिया आपने, साइकिल चलाना छोड़ दिया 2-4-5 साल, तो हो सकता है कि ये खत्म हो जाए रिफ्लेक्स।
पार्टिसिपेशन ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स, बिल्कुल बेटा, सेरेब्रल कॉर्टेक्स का तो इन्वॉल्वमेंट होता है, ओरिजिनेट स्पॉन्टेनियसली नहीं, अपने आप नहीं डेवलप होता, अनकंडीशन रिफ्लेक्स अपने आप डेवलप होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही, 1 और 3, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अच्छा हाँ, एक ये भी नियम होता है, बचपन में एक नियम बता दिया जाता है कि जब तक चोट नहीं लगेगी तब तक सीखोगे नहीं, ये भी एक रूल होता है ना। दैट इज ये सब तुम लोग जानते होगे, इंग्लैंड से तो आए नहीं हो, है ना। फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ स्पीसीज दैट सो को इवोल्यूशन। को इवोल्यूशन कौन सो करता है बेटा, को इवोल्यूशन जहां पर ऑब्लीगेट एसोसिएशन हो, जैसे फिग ट्री और पॉलिनेटर स्पीसीज ऑफ एस, इनमें ऑब्लीगेट एसोसिएशन है तो ये को इवोल्यूशन सो करेंगे। फंगस और साइनोबैक्टीरिया में ऑब्लीगेट रिलेशन तो नहीं है, सी एनिमोन और क्लाउन फिश में कॉमेंसिलीज में ऑब्लीगेट रिलेशन है तो ऑल तो नहीं हो सकता, यानी ए ऑप्शन होगा। ऑल लगा दिया ना, ऑल लगा दिया, हाँ सबने ऑल लगा दिया, बहुत बढ़िया किया, बहुत बढ़िया, देखो सब ऑल लगाए, अभी देखना सबके आंसर ए आने लगेंगे। सबने गलत किया ना, चलो क्वेश्चन नंबर 56। एन एचआईवी इंफेक्टेड इंडिविजुअल विल शो ए नेगेटिव रिजल्ट फॉर एन एंटीबॉडी एंटीजन बेस्ड टेस्ट इफ द बॉडी हैज नॉट प्रोड्यूस्ड एंटीबॉडीज। फॉर सच ए सिचुएशन विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट वुड बी यूज्ड टू कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ एचआईवी। बताइए क्वेश्चन नंबर 56, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन कहा है कि एचआईवी इंफेक्टेड इंडिविजुअल विल शो ए नेगेटिव रिजल्ट फॉर एंटीजन एंटीबॉडी बेस्ड टेस्ट। मतलब एलाइजा तो आपने करवा लिया, एलाइजा तो आपने करवा लिया, लेकिन वहां पर एंटीबॉडी प्रोड्यूस ही नहीं हुई तो एलाइजा टेस्ट नेगेटिव आ गया। तो अब कह रहे हैं अब एचआईवी की प्रेजेंस को कंफर्म करने के लिए क्या करोगे बेटा, एलाइजा तो करा ही नहीं सकते ना, क्योंकि एलाइजा में निगेटिव टेस्ट आया बेटा। ये पढ़ो तो तुम लोग क्या करते हो, ये बस तुम लोगों ने एचआईवी देखा और एलाइजा लगा दिया। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा पीसीआर, दैट इज रूटीन टेस्ट, रूटीन टेस्ट के तौर पे पीसीआर का यूज करेंगे, बी ऑप्शन होगा। कुछ समझ पा रहे हो मेरे प्यारे बच्चों, भोले भाले बच्चों, कलुए पिलुए बच्चों, कुछ समझ पा रहे हो? हाँ, मुझे साइकिल चलानी क्यों नहीं आती अंजू, मैं तो अभी साइकिल लेके आया हूँ, परसों मैं साइकिल लेके आया हूँ एक, है ना, और मैं अपनी छत पे ही चलाता हूँ, अब वीडियो बना के दिखाऊंगा तुम लोगों को, एक वीडियो डाली जाए क्या? कुछ समझ पाया बेटा तुम लोगों को? अच्छा ऋषभ करें सर, जिस जिसका सिलेक्शन हो जाए नीट में और केजीएमयू मिल जाए उसको अच्छा फोन गिफ्ट में देना सर। वाह बेटा, मुझसे अच्छा फोन चाहिए, है ना, और मैं क्या बोलूं तुम लोगों को। चलो, डिटरमाइन द एक्टिविटी वेयर इंटरफेरॉन ए बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर इज इन्वॉल्व। याद आया कुछ, अल्फा इंटरफेरॉन बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर, याद आया, मैंने क्रैश कोर्स अभी कराया, लेटेस्ट क्रैश कोर्स यही था बेटा। वीडियो डालें, एक आईफोन चाहिए, आईफोन का जो कवर होता है ना वो 1999 का मिलता है, 1999 का, है ना। यहाँ तुम लोग फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के लिए इतनी फीस दे नहीं पा रहे हो, है ना, देना नहीं चाह रहे हो, और यहाँ पे आईफोन चाहिए, कवर मिलेगा केवल, ना लाइक बच्चे। चलो, तो अल्फा इंटरफेरॉन क्या करता है, एक्टिवेशन करता है इम्यून सिस्टम का, बिल्कुल, सप्रेशन तो नहीं करता है बेटा, ये तो गलत हो गया। मेकिंग कैंसरस सेल डिटेक्टेबल बाई इम्यून सिस्टम, बिल्कुल, ये इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है ताकि वो कैंसर सेल की पहचान करके उनको किल कर दें। तो करेक्ट ऑप्शन डी हो गया बच्चों, करेक्ट ऑप्शन डी हो गया। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड यूज वन ऑफ द कॉम्बिनेशन टू फिल द गैप इन क्लेमाइडोमोनास वॉलवॉक्स एंड स्पायरोगायरा फ्यूजन ऑफ गैमेट एज रिस्पेक्टिवली। बताओ जरा, क्लेमाइडोमोनास में वॉलवॉक्स, वॉलवॉक्स तो जानते हो उगैमस होता है, तो देखिए बीच में वॉलवॉक्स है ना, रिस्पेक्टिवली बताना है तो बीच में उगैमस आ गया, बस सही हो गया। स्पायरोगायरा आइसोगैमस, क्लेमाइडोमोनास एनाइसोगैमस, सी ऑप्शन हो जाएगा, और कोई कर नहीं सकते। बताओ सही या गलत, और कोई ऑप्शन कर सकते नहीं, वॉलवॉक्स और फ्यूकस में उगैमस पाया जाता है, तो और क्यों ऑप्शन कर रहे हो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों।
क्वेश्चन नंबर 59, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फीमेल इज हेट्रोगैमेटिक। अरे फीमेल कहां पर हेट्रोगैमेटिक है, फीमेल हेट्रोगैमेटिक कहां पर है बेटा, जल्दी से बताओ। फीमेल इज हेट्रोगैमेटिक, ड्रोसोफिला में मेल हेट्रोगैमेटी, ह्यूमन में मेल हेट्रोगैमेटी, फीमेल हेट्रोगैमेटी कहां पर है, फाउल में, बर्ड में, है ना, बर्ड में फीमेल हेट्रोगैमेटी प्रेजेंट होती है। 59 का आंसर सी हो जाएगा बेटा, ठीक है। सी डी आर आई ये क्या है, इज क्रेडिटेड फॉर डेवलपिंग, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में बेटा, और यहां पर क्या डेवलप किया गया, सहेली को विकसित किया गया। सहेली एक गर्भ निरोधक गोली है, वंस ए वीक पिल है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इज लाइंड विद क्यूबॉइडल एपिथेलियम विद वेरी फ्यू माइक्रोविलाई। चलो ये बताओ, बढ़िया सवाल। नॉन स्टेरॉइडल पिल, यस बिल्कुल बेटा, नॉन स्टेरॉइडल पिल है सहेली। सीरियर है एकदम घर के बगल में है, सब चाय पीने आते हैं जो साइंटिस्ट है वहां के, सब चाय पीने मेरे घर नहीं आते बेटा, मेरे घर के बगल में शॉप है वहां चाय पीने आते हैं, ठीक है, मेरे घर नहीं आते हैं। चलो क्या करोगे बेटा, देखिए क्यूबॉइडल एपिथेलियम विद वेरी फ्यू लिखा बेटा, लार्ज नंबर कहां पर होगा, पीसीटी में, लेकिन वेरी फ्यू कहां पर, डीसीटी। जो बच्चे बी कर रहे हैं बस उन्हीं का सही, और सबने ए किया, मुझे ये भी पता है सबने ए किया है। क्यूबॉइडल एपिथेलियम विद लार्ज नंबर ऑफ माइक्रोविलाय प्रेजेंट इन पीसीटी, डीसीटी यहां पर आंसर होगा। कुछ लोग बाउमेन कैप्सूल भी लगा दे रहे हैं, वाह क्या बात है, बाउमेन कैप्सूल। कुछ लोग ग्लोमेरुलस में, खेल गए सर, बिल्कुल एनटीए खेल गए बेटा, है ना, और तुम लोग ऐसे मुंह बाय रखना एग्जाम में, ठीक है, जब कुछ पढ़ के नहीं जाना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, चलो देखते हैं। इन एक्वेटिक प्लांट लाइक वाटर हाइसिंथ पॉलिनेशन इज कैरीड आउट बाय इंसेक्ट और विंड, एकदम सही है। इन वेलिसनेरिया द मेल फ्लावर रीच द सर्फेस ऑफ वाटर बाय द लॉन्ग स्टॉक टू लिबरेट पॉलन ग्रेन, नहीं बेटा मेल फ्लावर नहीं, फीमेल फ्लावर लॉन्ग स्टॉक के द्वारा पहुंचती है, ठीक है, तो नॉट करेक्ट क्या हो जाएगा, बी नॉट करेक्ट हो जाएगा। प्योर टॉल पी प्लांट विद राउंड सीड इज क्रॉस विद प्योर डॉर्फ प्लांट विद रिंकल सीड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ जीनोटाइप दिस इन द एफ टू जनरेशन, तो इसके लिए तो परेड स्क्वायर बनाना पड़ेगा। स्मॉल टी कैपिटल आर ऐसे जीनोटाइप केवल एक मिलेगा, 16 में से एक प्लांट केवल ऐसा मिलेगा, 63 का ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 64, ये करना पड़ेगा बेटा आपको, ठीक है, ये मैंने किया आप भी कर लीजिएगा। 64, व्हाट वुड बी द जीनोटाइप ऑफ, क्या कंडीशन क्या दी, एन इंडिविजुअल हु इज कैरियर ऑफ सिकल सेल एनीमिया जीन बट अपेरेंटली अनअफेक्टेड, कैरियर पूछा है पहले में, एन इंडिविजुअल अफेक्टेड विद डिजीज, तो बेटा ये जो सिकल सेल एनीमिया है ये ऑटोसोमल है, तो पहले में आपको कैरियर देखना है, तो कैरियर क्या हो जाएगा, HbA HbS कैरियर हो गया, और इंडिविजुअल अफेक्टेड अगर है बेटा तो अफेक्टेड है तो HbS HbS हो जाएगा, ठीक है, तो यानी बी ऑप्शन सही होगा, क्लियर है बेटा, बी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तीन कंडीशन होती है, एक कंडीशन और होती है, HbA HbA ये नॉर्मल होता है, ये नॉर्मल हो गए, तीन कंडीशन होती है, HbA HbA नॉर्मल, HbA HbS कैरियर और HbS HbS अफेक्टेड इंडिविजुअल। सेलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रू एंड फॉल्स फॉर द गिवन स्टेटमेंट अबाउट पॉलन ग्रेन सेल, चलिए देखते हैं ट्रू और फॉल्स क्या है। द वेजिटेटिव सेल हैज एन अबंडेंट फूड रिजर्व, ये तो ट्रू है। द वेजिटेटिव सेल हैज लार्ज इररेगुलरली शेप्ड न्यूक्लियस, ये भी सही है। द जनरेटिव सेल इज स्मॉल एंड इज फिक्स्ड इन साइटोप्लाज्म ऑफ द वेजिटेटिव, फिक्स नहीं बेटा फ्लॉट करती, तो ये फॉल्स हो गया। अब क्या कहा है, द जनरेटिव सेल इज स्पिंडल शेप एंड हैज डेंस साइटोप्लाज्म, ये ट्रू है, तो ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू, ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू, बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 बताइएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, जल्दी से बताइए करेक्टली मैच कौन सा नहीं। कैल्विन साइकिल इन बंडल सीड सेल मेज, मेज C4 प्लांट है, तो इसमें कैल्विन साइकिल बंडल सीड में चलेगी, थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया था, सही है।
हैच स्लैक पाथवे ऑक्सैलोएस्टिक एसिड, बिल्कुल हैच स्लैक पाथवे C4 पाथवे में ऑक्सैलोएस्टिक एसिड होता है। फोटो रेस्पिरेशन लेस प्रोडक्टिविटी, ये भी सही है। रुबिस्को क्रेंज एनाटमी, रुबिस्को क्रेंज एनाटमी नहीं बेटा, क्रेंच एनाटमी की अगर हम बात करें तो क्रेंच एनाटमी किससे रिलेटेड होता है, बंडल सी से रिलेटेड होता है ना, तो ये तो गलत हो गया, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्रेंच एनाटमी, हाँ ठीक है, ठीक है, सही है। चलो 67 पे चलते हैं। आर एच विटेकर यूज्ड सर्टेन क्राइटेरिया फॉर मेकिंग द फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, कितने क्राइटेरिया लिए थे, पांच क्राइटेरिया। फ्रॉम द फॉलोइंग हाउ मेनी आर नॉट ए पार्ट ऑफ दोस क्राइटेरिया, सेल स्ट्रक्चर था बिल्कुल, थैलस ऑर्गेनाइजेशन था बिल्कुल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन था, रिप्रोडक्शन था, फाइलोजेनेटिक रिलेशन था, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन था नहीं, थैलस ऑर्गेनाइजेशन था, लोकोमोशन था नहीं, तो दो क्राइटेरिया इनमें से नहीं, पांच क्राइटेरिया थे। कर लोगे, हाँ, क्रेंज एनाटॉमी आप ऐसे भी कर सकते हो, है ना, क्रेंज एनाटॉमी जैसे पिछला वाला क्वेश्चन था, कोड मैंने बताया था RCPMT कर लेना, है ना, इससे भी आ जाएगा आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 68, टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ ग्रेप स्टॉक जिब्रेलिन आर अप्लाइड, द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ जिब्रेलिन एक्सप्लॉइटेड इन द केस ऑफ इट्स, जिब्रेलिन की कौन सी एक्टिविटी का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 68, बढ़िया सवाल है ये भी, क्वेश्चन नंबर 68। जल्दी जल्दी बताओ बेटा आंसर, क्वेश्चन नंबर 68, एबिलिटी टू इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द एक्सिस, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन द स्टोरेज ऑफ रिजर्व मटेरियल इन द साइटोप्लाज्म ऑफ बैक्टीरियल सेल, बैक्टीरिया में साइटोप्लाज्म के अंदर रिजर्व फूड मटेरियल कहाँ स्टोर होता है, इंक्लूजन बॉडी में, तो सीधा सवाल है, मैच द कॉलम, एडिशन डिजीज, एडिशन डिजीज किससे मैच करोगे, एडनल कॉर्टेक्स से, टिटैनी किससे मैच करोगे, पैराथायरॉइड से, एक्रोमिगैली पिट्यूटरी से, और मिक्सिडिमा थायराइड से, तो A3 B4 C2 and A3 B4 C1 C1 D2, सी ऑप्शन होगा ना, सी, क्लियर बेटा, 70 का सी ऑप्शन होगा, ठीक सी होगा, डी क्यों करे बेटा, सीक्वेंसेस ऑफ डीएनए कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम ए जीनोम विद द हेल्प ऑफ, अच्छा सीक्वेंसेस ऑफ डीएनए कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द जीनोम, अगर डीएनए से कोई भी सीक्वेंस आपको हटाना तो मॉलिक्यूलर सीजर का यूज करोगे, और मॉलिक्यूलर सीजर क्या, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, है ना, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। अच्छा बेटा, हाँ, कल के बारे में आपको मैं बता देता हूँ, कल बेटा कल क्या होना है, कल आपकी जो मैराथन क्लास होगी वो केएफ बायो की होगी बेटा, ठीक, अमृता मैम कराएंगी दोपहर में 3 बजे से, ठीक है। बाकी अनुराग सर की जो फिजिक्स की क्लास तुम लोग कह रहे थे कि एक डेमो क्लास अपलोड कर दी जाए, तो एक क्लास अभी मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है, उसमें उन्होंने ग्राफ के बारे में बताया है, तो क्लास अभी मैं लाइव कर दूंगा, अनुराग सर की जो प्रीमियम वाली एक क्लास है वो अभी लाइव कर दूंगा। विच ऑफ द फॉल, हाँ सीजर मतलब कैची होता है, अबाउट मॉलिकुलर डायग्नोसिस इज करेक्ट, मॉलिकुलर डायग्नोसिस ये पूरा टॉपिक है बायोटेक में, PCR कैन डिटेक्ट हाई अमाउंट ऑफ वायरल DNA प्रेजेंट इन द डिजीज पेशेंट, PCR कैन डिटेक्ट लो अमाउंट, है ना, लो अमाउंट, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। फिर क्या पूछा क्वेश्चन नंबर 72 में, ELISA इनकॉर्पोरेट द यूज ऑफ रेडियो एक्टिव प्रोब, नहीं बेटा रेडियो एक्टिव प्रोब तो ऑटो रेडियोग्राफी में यूज करते हैं, PCR इज ए पावरफुल टेक्निक टू आइडेंटिफाई डिफरेंट जेनेटिक डिसऑर्डर एंड इज ऑल्सो यूज इन द डिटेक्शन ऑफ म्यूटेटेड जीन इन द सस्पेक्टेड कैंसर पेशेंट, ये सही स्टेटमेंट है, 72 का सी सही है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रेपलम कैन बी सीन, बेटा रेपलम होता है फॉल्स सेप्टम, एनसीईआरटी में नहीं दिया गया फॉल्स सेप्टम रेपलम, है ना, रेपलम तो फॉल्स सेप्टम तो लिखा लेकिन रेपलम नहीं लिखा, ये ब्रेसिका में, या आप कह सकते हैं कि जहां पर पेराइटल प्लेसेंटेशन होता है मस्टर्ड एंड आर्जिमोन, वहां पर रेपलम या फॉल्स सेप्टम प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 73 हो गया, 74 पे चलते हैं। मैच द कॉलम, हीमोफीलिया डिलेड क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, डाउन सिंड्रोम, ब्रॉड पाम, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, गायनेकोमेस्ट्रिया, टर्नर सिंड्रोम, रूडिमेंट्री ओरीज, तो 1 2 1 2 2 1 3
3344 बी ऑप्शन हो जाएगा 74 के लिए। 75 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर द अकरेंस ऑफ डाइकैरियोफेज ऑफ फंगस कैन बी ऑब्जर्व। डाइकैरियोफेज बेटा आपसे पूछा है, तो डाइकैरियोफेज एस्कोमाइसिड में और बैसिडियोमाइसिड में पाई जाती है। बैड याद कर सकते हो कोड, है ना, बैड बैड यानी बैसिडियोमाइसिड में और एस्कोमाइसिड में डाइकैरियोफेज प्रेजेंट होती है, बैड से याद कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 76, देयर आर सर्टेन सीक्वेंसेस ऑफ डीएनए दैट आर टर्म्ड एज मोबाइल और जंपिंग्स इन एंड आर यूजफुल एज वेक्टर्स, सच सीक्वेंसेस आर कॉल्ड जंपिंग्स इन या मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट, किसे कहते हैं, दैट इज ट्रांसपोजोन। कुछ याद है, बारबरा मैक्लिंटॉक के द्वारा इनकी खोज की गई थी। हाँ नीतीश कह रहे हैं कि एनटीए अपनी औकात में आ गए है। हाँ बिल्कुल, यही यही एकदम पेपर है, समझिए नीट का, ठीक है, एकदम ऐसा पेपर आता है। द इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशंस ना इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस दैट आर नॉट यूज्ड इन विल इवेंचुअली फॉर्म पार्ट ऑफ, कह रहे जो भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस होते हैं जैसे मोबाइल फोन हो गया, एप्पल वॉच हो गई, है ना, कंप्यूटर हो गया, ये सब इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस होते हैं और अगर ये यूज नहीं हो रहे हैं तो ये क्या बनाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट बनाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, इररिपेरेबल कंप्यूटर। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग गिवन स्टेटमेंट, चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 78, कई स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपको क्या बताना है, करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 78 के लिए पहला ऑप्शन क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ टिश्यू, प्रॉपर्टीज ऑफ टिश्यू आर प्रेजेंट इन द कॉन्स्टिट्यूएंट सेल। नहीं बेटा, टिश्यू की प्रॉपर्टी सेल में तो नहीं हो सकती है, हायर लेवल की प्रॉपर्टी लोअर लेवल पे नहीं हो सकती है। प्रॉपर्टीज ऑफ सेलुलर ऑर्गेनेल आर प्रेजेंट इन मॉलिकुलर कॉन्स्टेंट ऑफ ऑर्गेनेल। नहीं बेटा, सेल की प्रॉपर्टी ऑर्गेनेल में नहीं हो सकती है। लिविंग ऑर्गेनिज्म आर सिस्टम कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुली, ये सही है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। नहीं, सी क्यों होगा, डी ऑप्शन होगा ना, ओनली थ्री इज करेक्ट, ठीक, 78 का डी हो जाएगा। 79, गंबूशिया याद आया कुछ, मॉस्किटो फिश कहते हैं इसे कॉमनली। गंबूशिया फिश इज सक्सेसफुली यूटिलाइज फॉर, गंबूशिया फिश क्या करती है बेटा, डिस्ट्रॉय लार्वल स्टेज ऑफ वेक्टर ऑफ मलेरिया, प्लाज्मोडियम की, है ना, लार्वल स्टेजेस को अरे ये मैं क्या कह रहा हूँ, मलेरिया कॉज करता है प्लाज्मोडियम, लेकिन वेक्टर है फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, तो ये मॉस्किटो की जो लार्वल स्टेज होती है उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है और इस तरीके से बीमारी को फैलने से रोकता है। तो गंबूशिया फिश इज मॉस्किटो फिश, क्लियर बेटा। शिखा थैंक यू बेटा फॉर ज्वाइनिंग द चैनल। अच्छा तो अब मुझे ये बताइए कि मॉस्किटो के लार्वा का नाम कोई जानता है, मॉस्किटो के लार्वा को क्या कहते हैं। 80, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड द एंजाइम रिक्वायर्ड टू डिसॉल्व द कैलोज प्लग ऑफ पॉलन टेट्राड। ये कैलोज प्लग, ये भी एनसीईआरटी में नहीं दिया गया बेटा, लेकिन मैंने आपको इंस्पेक्शन में दिया है इस तरह का क्वेश्चन। हाँ रेगुलर, कार्तिकेय ने बताया रेगुलर, मैगट, रेगुलर प्यूपा, सारे ऑप्शन आ गए हैं। ग्रब, नहीं बेटा रेगुलर होता है, रेंगुलर नहीं होता, रेगुलर नाम का लार्वा पाया जाता है। चलो क्वेश्चन नंबर 80 तो आपको याद ही करना बेटा, यहाँ पर टैपिटम हो जाएगा, ठीक है। टैपिटम कुछ ऐसा एंजाइम सिक्रीट करता है जिससे कैलोज प्लग को डिसॉल्व किया जाता है, याद कर लो इसको। अब दो चार क्वेश्चन तो ऐसे होंगे ही जो एनसीईआरटी में नहीं है, वैसे मैं एनालिसिस करके आपको बता सकता हूँ कि कितने क्वेश्चन एनसीईआरटी से नहीं है, आप भी जरा काउंट करके बताइएगा। हाँ सिखा करें कि मैगट जो है हाउसफ्लाई का होता है, ठीक है। अच्छा बटरफ्लाई का लार्वा क्या होता है, बटरफ्लाई का लार्वा क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 81 बताओ। अच्छा रीजन फॉर द स्किन ऑफ ह्यूमन टू नॉट परफॉर्म एज द रेस्पिरेटरी ऑर्गन, करें कौन सा रीजन है जिसकी वजह से हमारी स्किन रेस्पिरेटरी ऑर्गन के रूप में काम नहीं करती। इट इज ड्राई, बिल्कुल ड्राई इसलिए नहीं, जैसे मॉइस्ट स्किन होती है तो वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन के रूप में काम करती है, हमारी स्किन तो ड्राई है। हाँ ये कैटरपिलर सही आंसर है बेटा। इट इज नॉट थिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन, इट इज नॉट थिक, नहीं हमारी स्किन तो थिक है, इट इज नॉट थिक कह रहा है, इट इज नॉट थिक, हमारी स्किन थिक है, नहीं स्किन तो कैसी है,
हम लोग की स्किन कैसी हो जाएगी। अब ये तो कॉम्परेटिव टर्म है, इट इज नॉट थिक। अगर हम अपने आस पड़ोस के जानवरों से तुलना करें, है ना, गाय भैंस, तो उनसे तो हमारी थिन होगी, तो थिक नहीं है, तो ये हटा दो। इट इज नॉट परमेबल टू वाटर एंड गैस, बिल्कुल ये परमेबल नहीं है। इट्स सो पिगमेंटेशन, पिगमेंटेशन से रेस्पिरेटरी ऑर्गन के रूप में काम करने का कोई मतलब नहीं। तो ड्राई और परमेबल ना होने की वजह से हमारी जो स्किन और रेस्पिरेटरी ऑर्गन के रूप में काम नहीं करती। तो वन एंड थ्री कहीं दिया है, ऑल एक्सेप्ट वन एंड थ्री, कोई ऑप्शन ही नहीं दिया है। 81 अच्छा, एनटीए ने जो इसका आंसर दिया है वो दिया है ऑल एक्सेप्ट फोर, बी ऑप्शन दिया है, ऑल एक्सेप्ट फोर, मतलब वो इसको भी शामिल कर रहा है, इट इज नॉट थिक। वो इसको भी सही बता रहा है कि ये भी रीजन है कि हमारी स्किन थिक नहीं है, पतली है, इसलिए रेस्पिरेटरी ऑर्गन के रूप में काम। ये तो गलत स्टेटमेंट है बेटा, नॉट पूछा है ना। तो अगर स्किन हमारी थिक नहीं, थिन है, तब तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन के रूप में काम करना चाहिए ना बेटा। तो इसमें जो सही स्टेटमेंट है वो होना चाहिए, ऑप्शन ये होना चाहिए था, ऑल एक्सेप्ट वन एंड थ्री, ये आंसर होना चाहिए था सही, ठीक है, मेरे हिसाब से। एनटीए ने बी दिया, पता नहीं क्यों, या फिर नन होना चाहिए था, थिन होती है ना। चलिए, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट एम्ब्रियो डेवलपमेंट इन पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना कॉकरोच में। ये स्पेशल सरप्राइज सेशन में मैंने आपको बताया है, कॉकरोच की अगर हम बात करते हैं बेटा, तो कॉकरोच में कैसा डेवलपमेंट होता, पारो मेटाबोली, निम्फल स्टेज होती, पारो मेटाबोली डेवलपमेंट पाया जाता है, ठीक है, इनकम्प्लीट मेटामार्फोसिस, पारो मेटाबोली डेवलपमेंट होता है। देखिए, सिखा के नाम के आगे एक लोगो बन के आ रहा है गंगवार इंस्टीट्यूट का, वो लोगो क्यों बन के आ रहा है जान रहे हो तुम लोग? जो बच्चा यूट्यूब पे ज्वाइन करता है, जब वो कमेंट करता है तो उसके नाम के आगे लोगो भी आता है बन के, और वो इमोजीज भी शेयर कर सकता है ना, इस तरह की जो इमोजीज होती, जैसे मैंने शेयर की है ना, इस तरह की इमोजीज भी आप शेयर कर सकते हैं, आपका कमेंट थोड़ा सा हाईलाइटेड दिखता है। क्वेश्चन नंबर 83 पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 83, बस 8 क्वेश्चन बचे हैं, खत्म करते हैं। अच्छा चलिए, मैच द कॉलम, क्वेश्चन नंबर 83, बताइए जीनोगैमी क्या करोगे। जीनोगैमी डिफरेंट प्लांट होना चाहिए, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट, दैट इज जीनोगैमी, ये 1 हो जाएगा। फिर ऑटोगैमी पे चलते हैं, ऑटोगैमी क्या हो जाएगा, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, ये सेम हो गया, ठीक है, ये तो यहीं से मैच करा दो। फिर क्लिस्टोगैमी, क्लिस्टोगैमी में क्या हो जाएगा, क्लिस्टोगैमी फुल खिलेगा ही नहीं, तो फ्लावर आर इनवेरिएबली ऑटोगैमस एंड डू नॉट ओपन एट ऑल। जीटोनोगैमी, फिर एक ही ऑप्शन बचा, तो करेक्ट ऑप्शन क्या मिला आपको, सी मिल जाएगा। हाउ मेनी माइक्रोस्पोरेंजिया आर प्रेजेंट इन एन एंजियोस्पर्मिक एंथर, बढ़िया सवाल है। कंडीशन होती है टेट्रास्पोरेंजिएट, है ना, टेट्रास्पोरेंजिएट, तो टेट्रास्पोरेंजिएट का मतलब 4 माइक्रोस्पोरेंजिया पाई जाती, सी ऑप्शन हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिलेट टू वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑक्यूपाइंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ इकोसिस्टम। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन याद है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेटिफिकेशन। By identifying the shape of the potato, select the option that represents the causative agent for this condition. तो potato में potato spindle tuber disease होती है, कौन cause करता है, viroid cause करता है। Carbonic anhydrase enzyme is present in and for its activity the enzyme required this as a cofactor. ये बढ़िया सवाल है, NCERT से नहीं हो पाएगा ये, है ना, एनसीईआरटी पढ़ के नहीं हो पाएगा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 87 देखो, तुम लोग बताओ क्या करोगे।
जो तुम लोगों ने सोचा नहीं होगा वो आंसर आएगा इसका। देखो ज्यादातर बच्चे ऑप्शन कर रहे हैं सी, ठीक है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इज प्रेजेंट इन आरबीसी प्लाज्मा, ठीक है, इतनी बात तो सही है। लेकिन यहां पर जो फिर से फिल पूछा है कि एंड कैल्सियम तो एक्टिवेटर नहीं बेटा, एक्टिवेटर तो जिंक है, तो ये ऑप्शन तो खत्म। इस ऑप्शन में भी मैग्नीज दिया गया तो ये भी खत्म। अब यहां पर ल्यूकोसाइट और मैक्रोफेज में तो होता नहीं, और जिंक एक्टिवेटर तो होता है लेकिन ल्यूकोसाइट और मैक्रोफेज में नहीं होता, तो ये भी खत्म। अब बचा ऑप्शन ए, जिंक कोफैक्टर है, ये बात तो सही है। आरबीसी में कार्बोनिक एनहाइड्रेज होता है और फिर पेनक्रियाटिक सेल दी गई है, पेनक्रियाटिक सेल बीटा सेल है ना, उसमें भी एक एंजाइम पाया जाता है, तो ए ऑप्शन सही होगा बेटा यहाँ पर, ठीक है। याद कर लेना कि आरबीसी प्लाज्मा के अलावा जो पेनक्रियाटिक सेल होती हैं उनमें भी कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम होता है। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन गेव इक्वल वेटेज टू, ये इक्वल वेटेज देता किसको, वेजिटेटिव कैरेक्टर को और सेक्सुअल कैरेक्टर को इक्वल वेटेज प्रोवाइड करता है, सेकंड लास्ट इन 1992। जैसे ईयर देखोगे, ए बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कन्वेंशन वाज हेल्ड इन रियो डी जेनेरियो आल्सो नोन एज, क्या कहते हैं, द अर्थ समिट कहा जाता है, 2002 में क्या हुई थी, वर्ल्ड समिट, एंड लास्ट क्वेश्चन द सेम पेप्टाइड हार्मोन। क्वेश्चन नंबर 19, ये तुम लोग का लेवल का सवाल है नहीं वैसे, है ना, एमबीबीएस के लेवल का सवाल है, यहां पूछ लिया है, चलो बता दो। द सेम पेप्टाइड हार्मोन विल सो वेरिएशन इन रिस्पॉन्स टू डिफरेंट सेल बिकॉज, अलग अलग तरह के रिस्पॉन्सेज आते हैं, उसका रीजन क्या है, ए क्यों कर रहे बेटा, डिफरेंट टारगेट सेल और डिफरेंट सेट ऑफ जीन, बेटा जीन तो सब सेल में एक ही जैसे होंगे, 30,000 जीन तो हर सेल में होंगे, है ना, आंसर होगा यहाँ पर बी, ए टारगेट सेल रिस्पॉन्स इज डिटरमाइंड बाय द कंपोनेंट ऑफ इट्स सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे। याद कर लो, ऐसे 5-10 सवाल आपको नीट में मिलेंगे, पहले आपका प्राइम गोल होना चाहिए कि 80 क्वेश्चन आप कर लें जो सीधे सीधे, पहले 80 क्वेश्चन कर लीजिए, 80 क्वेश्चन कर लेंगे तो आपका सिलेक्शन इजिली हो जाएगा। इसके बाद जितना अच्छा करते जाएंगे 85 कर लेंगे, 86 कर लेंगे, 87 कर लेंगे, 88 कर लेंगे, रैंक आपकी बढ़िया होती चली जाएगी, 89 कर लेंगे, 90 कर लेंगे, रैंक आपकी उतनी अच्छी हो जाएगी। अच्छा मैंने तुम लोगों से बोला था कि मैं अपनी वो दिखाऊंगा रैंक वाला, है ना, चलो मैं किसी दिन दिखाता हूँ उसको, मैं ढूंढता हूँ, मेरी फाइल मिली रखी हुई है संभाल के। तो प्रीमियम का बेटा एक फिजिक्स वाला लेक्चर मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है, जो अनुराग सर ने रिकॉर्ड किया है आज, वो वाला लेक्चर मैं अपलोड कर लूंगा, तुम लोग देख लेना कि अनुराग सर कैसा पढ़ा रहे हैं, ठीक है, एकदम हाई लेवल का, तो तुम लोग पढ़ना और उसके बाद तुम लोग डिसाइड करना कि आगे क्या करना है, ठीक है। अभी तक करीब करीब neetbooster.com पे 80 बच्चों ने ज्वाइन किया है प्रीमियम कोर्स को, ज्यादातर बच्चों ने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों को ज्वाइन किया है, कुछ बच्चों ने यूट्यूब पे भी ज्वाइन किया है। neetbooster.com पे थोड़ा सा प्राइस कम हो जाता है ना, और एक बार पे करना होता है, यहाँ पर मंथ आपको पे करना पड़ेगा। बिलाल मोस्ट वेलकम बेटा, प्रशांत हाँ पीपीटी बेटा पीडीएफ मैं प्रोवाइड कर दूंगा, हाँ कल मैराथन होगा बेटा, कल मैराथन है, अमृता मैम का मैराथन होगा, ठीक है, कल दोपहर में 3 बजे मैराथन होगा, कल 3 बजे मैराथन होगा, ठीक है, बायो का, और बाकी फिजिक्स की एक जो क्लास अनुराग सर की है वो अपलोड हो जाएगी, ठीक है, फिजिक्स की एक क्लास अभी हो सकता मैं पब्लिक कर दूं, या फिर अगर अभी नहीं होगी तो कल मॉर्निंग में मैं कर दूंगा, ठीक है, बाकी कोई इन्फॉर्मेशन होगी तो मैं बीच में मिलूंगा, वरना फिर हमारी मुलाकात होगी परसों, है ना, ठीक है बेटा, हाँ साक्षी बेटा, हाँ टेलीग्राम आईडी है बेटा, टेलीग्राम पे चैनल ही है हमारा गंगवार इंस्टीट्यूट फॉर नीट, टेलीग्राम पे भी इसी नाम से, ठीक है, तो अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, वरना आप जाके पढ़ाई करिए अपनी, सोना है तो सोइए आप, ठीक है, जिनको केवल क्वेश्चन पूछने हो वो केवल रुके, ठीक है। सुष्मिता बेटा क्रेडिट और डेबिट कार्ड से आप पे कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो।
नीरज करे सर मेंटी भी होगा बेटा, मेंटी में देखिए नेट नॉर्मली इतनी दिक्कत कर रहा था, अगर नॉर्मल लाइव सेशन में मेंटी में सोचिए क्या हाल होता, एक क्वेश्चन हम नहीं कर सकते थे, इसीलिए मेंटी थोड़ा सा हमने रोक दिया अभी, है ना। फिजिक्स का बेटा कल नहीं हो पाएगा, अनुराग सर थोड़ा सा बिजी है तो फिजिक्स का नहीं हो पाएगा, ठीक है। शिखा त्रिपाठी बेटा टेलीग्राम आपको जो है, टेलीग्राम बस आप ये करिए टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करिए, और ऐप डाउनलोड करने के बाद टेलीग्राम पे आप आ जाओगे आपको खुद ऐड कर दिया जाएगा, या फिर रविकांत से आप बात कर लेना, रविकांत आपको बता देंगे, ठीक है। और कोई अगर क्वेश्चन हो बेटा, बाकी मैं कुछ पढ़ाऊंगा नहीं, अगर आप जाना चाहें तो आप जा सकते हैं, ठीक है, जिन बच्चों की कोई क्वेरी नहीं है, ठीक है। सीमा बेटा ये जो NF3 आप पूछ रहे हो ये तो आप केमिस्ट्री वाले सर से पूछना, ठीक है। विजेंदर थैंक यू बेटा। निखिल कल फिजिक्स की कोई क्लास नहीं होगी? नहीं बेटा, फिजिक्स की कहाँ पे पूछ रहे हो बेटा? हाँ कल फिजिक्स की लाइव यहाँ कोई क्लास नहीं होगी बेटा, ठीक है, कल एक मैराथन होगा, ठीक है, बायो का। रिपीट कर दीजिए 87 में क्या हो बेटा? बेटा 87 अब ये NCERT में नहीं याद कर लेना इसको, है ना। RBC पेनक्रियाटिक सेल दोनों में कार्बोनिक एनहाइड्रेस पाया जाता है, सी ऑप्शन में अगर कैल्शियम की जगह जिंक दिया जाता तो ये आंसर सही होता, ठीक है। अच्छा राकेश करें आपको छोड़कर जाने का मन नहीं करता है, वाह क्या बात है, मुझे भी अच्छा लगता है, तभी मैं क्लास ओवर हो जाने के बाद भी आप लोगों से थोड़ी बहुत बातें कर लेता हूँ, है ना। लिविंग वर्ड वाला, हाँ बेटा वो थोड़ा सा आंसर की में कुछ दिक्कत आ गई थी इसलिए मैंने उसको रोक दिया था मनु, ठीक है। वैष्णवी थैंक यू बेटा, थैंक यू। अभिषेक हाँ मॉक टेस्ट का PDF मैं दे दूंगा बेटा। माइक्रोब साइंस बिल्कुल, थैंक यू बेटा, गुड नाइट। विमलेश करें 90 क्वेश्चन बता दीजिए, 90 क्वेश्चन में क्या बेटा? बेटा 90 क्वेश्चन याद कर लो, मैंने बताया ना कि ये क्वेश्चन जो NCERT बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अच्छा एकता कह रही कि DPP के क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, थैंक यू बेटा अगर आपको अच्छा लग रहा है, है ना। मुस्ताक थैंक यू बच्चे। वर्तिका थैंक यू बेटा। मुनव्वर खान बेटा NCERT से डायरेक्टली अगर मैं बताऊं तो करीब 70 से 75 क्वेश्चन एकदम डायरेक्ट डिक्ट आ जाते हैं नीट में। मोहम्मद नईम अगर सर बायोनीट सॉल्व कर लें तो नीट में कितने क्वेश्चन सेव जाए? 75 क्वेश्चन तो सीधा सीधा आपको मिल जाएगा, 75+। ओके रविंद बाय बाय बेटा। नाहिद गुड नाइट बेटा। आकांक्षा थैंक यू फॉर इंफॉर्मेशन बेटा। प्रीमियम में निखिल बेटा, प्रीमियम में फिजिक्स की क्लास हाँ देख लेते हैं अनुराग सर, अगर संडे के एक दिन टाइम दोगे थोड़ा बेटा हम लोगों को भी, हाँ जीवित रहने का, ठीक है। कलुआ बेटा सो जाओ, गुड नाइट। क्वेश्चन करें सर एक 50 क्वेश्चन का मिंटी, तो लो मिंटी के लिए क्यों परेशान हो? अभिषेक प्रीवियस ईयर एंड एग्जाम्पलर सीरीज, हाँ बेटा ये प्रीमियम पे मैंने स्टार्ट कर दिया, एग्जाम्पलर सीरीज भी वहां पे मैं करा दूंगा, ठीक है। अच्छा रुबेन करें लाइव में बैकवर्ड ऑप्शन चालू रखिए, हाँ बेटा बैकवर्ड ऑप्शन तो मैंने इनेबल कर दिया ना, अब तो बैकवर्ड शायद हो जाता है ना। मुनव्वर सर आप संदीप माहेश्वरी को फॉलो करते हैं? बेटा मैं सुनता हूँ, बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत मोटिवेटिंग बातें करते हैं, सुना है मैंने, ठीक है। मैं फॉलो तो मतलब ऐसा कुछ नहीं, मतलब मैं कभी कभी सुन लेता हूँ। मोहम्मद कैफ लव यू बेटा टू यू। नवीन बेटा फिजिक्स का जो प्रीमियम है मिल जाएगा बेटा, थोड़ा सा अभी एक दो दिन हुआ है, कल से हमने स्टार्ट किया है,
थोड़ा सा चीजें मैनेज करने में भी टाइम लग रहा है, एडिटिंग होती है, फिर हम इसको वीमियो पे अपलोड करते हैं, वीमियो जैसे यूट्यूब ऐसे वीमियो पे हम अपलोड करते हैं, फिर नीट बूस्टर पे आप देख पाते हैं, इसलिए थोड़ा सा टाइम दीजिए, मंडे से एकदम प्रॉपर हो पाएगा। साक्षी बेटा यूट्यूब पर क्लास लेते हैं, और इसके अलावा neatbooster.com इस पे आप जाओगे तो वहां पर प्रीमियम क्लास भी हम लेते हैं, ठीक है। प्रीमियम में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इस समय नीट 2020 के लिए आपको 2000 रुपए में मिल रहा है। अल्तमास 20 ईयर पेपर, बेटा 20 नहीं मैं कहूंगा 30 ईयर के पेपर कम से कम कर लो, ठीक है। मुनव्वर बेटा उसमें बायोल्यूमिनेसेंस का फिनोमिना पाया जाता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइट को एमिट करता है, बायोल्यूमिनेसेंस फिनोमिना प्रेजेंट होता है। अविनाश सो सैड बेटा, इसीलिए कहता हूं घर में बच के रहो तुम लोग, है ना। तो बेटा देखिए अगर आप अपने कमेंट के साथ बहुत सारी इमोजीज और ये सब चीज सेंड करेंगे तो आपका कमेंट ऑटोमेटिक हाइड हो जाएगा, ठीक है, तो सो ही नहीं होगा फिर, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान दिया करिए, अपने कमेंट को हाईलाइट करने के चक्कर में फिर वो किसी को नहीं दिखाई देगा। हाँ पीयूष बेटा अनियन को स्टेम का मॉडिफिकेशन ही मानेंगे बिल्कुल, लेकिन अगर स्टोरेज की बात आएगी तो फिर वहां पर लीफ का मॉडिफिकेशन होगा, ठीक है। साक्षी वुड आई हैव टू गेट सब्सक्रिप्शन फॉर दैट सर, बिल्कुल बेटा साक्षी आप neatbooster.com पे जाके लॉग इन कर लेंगे, रजिस्टर कर लेंगे और फिर वहां पे परचेज कर सकते हैं आप। बेटा व्हाट्सएप मैसेज दिन भर में हजारों मैसेज आ जाते हैं, कहां तक मैं रिप्लाई कर पाऊंगा आपको सोचो, है ना, इसीलिए मैंने अलग अलग प्रीमियम के लिए ग्रुप बना दिए टेलीग्राम चैनल पे, है ना। तो मुनव्वर हाँ बेटा डोडो ठीक है, हाउस फ्लाई में हाँ कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होती रूबेन, चलो अब काफी बातें हो गई हैं, ठीक है, तो हम लोग मिलेंगे कल, कुछ बातें तो मैं करूंगा ही आपसे, ठीक है, 2-4 मिनट की वीडियो बना के, है ना। तो बेटा अमन मैं क्या रिप्लाई कर दूं इस बात पे, अगर आप 60 दिन के लिए अच्छी तरीके से लग जाते हो तो ये पॉसिबल भी हो सकता है, क्यों नहीं पॉसिबल हो सकता है। डेली बेसिस पर आप देखिए लाइव सेशन में यहाँ पर 180 क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ, प्रीमियम में आपको 80 क्वेश्चन कराता हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री आपको पढ़ाया जा रहा है, अगर आप पूरे मन से लगेंगे तो बिल्कुल हो सकता है। निखिल अग्रवाल हाँ बेटा कल प्रीमियम बायो का तो जरूरी होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री में थोड़ा सा अनुराग सर अभी फिजिक्स चूंकि वो बहुत मतलब आप ये समझ लीजिए कि फिजिक्स उन्होंने बहुत साल के बाद पढ़ी है पढ़ाने के लिए, है ना, लेकिन फिजिक्स उनका ज्यादा अच्छा केमिस्ट्री से ज्यादा अच्छा फिजिक्स, मैंने उनकी वीडियोस देखी हैं, केमिस्ट्री से ज्यादा अच्छा वो फिजिक्स पढ़ाते हैं। मोहम्मद नईम कह रहे हैं कि सर अमृता मैम और आपकी वजह से मेरी बायो अच्छी, थैंक यू बेटा। एकता हाँ रूही दीदी एकदम ठीक है बेटा, रूही दीदी एकदम ठीक है। प्रताप बेटा देखिए बहुत टाइम नहीं मिल पा रहा है इसलिए पॉडकास्ट सीरीज नहीं मैं कर पा रहा हूँ, ठीक है, और पॉडकास्ट के लिए मैंने प्रीमियम में बच्चों को बोला है तो वही मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। महाकाल बेटा सिस्टमैटिक में एनसीईआरटी ने शायद मेंशन नहीं किया करेक्टराइजेशन, तो छोड़ दीजिएगा, सीआईसीएन टैक्सोनॉमी के लिए और आईसीएन हो जाएगा इसके लिए, सिस्टमैटिक के लिए उसमें नहीं दिया गया है। सिस्टमिक सर्कुलेशन बेटा सिस्टमिक सर्कुलेशन मतलब बॉडी के सिस्टम को जो ब्लड सप्लाई किया जाता है, है ना, वो सिस्टमिक सर्कुलेशन होता है। सिस्टमिक सर्कुलेशन शुरू होता है कहां से, इसकी शुरुआत होती है लेफ्ट वेंट्रिकल से लेके राइट एट्रियम तक, लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट एट्रियम तक का सर्कुलेशन सिस्टमिक कहलाता है गौरव,
पॉडकास्ट सीरीज बेटा कराऊंगा मैं, ठीक है, लेकिन वो प्रीमियम के लिए होगा, ठीक है। मीर थैंक यू बेटा, फॉलो करते हैं। अनुष्का बेटा मैराथन कल करीब 200 या 300 क्वेश्चन की मैराथन होगी, ठीक है। महाकाल बेटा टाइम थोड़ा मिलने तो मैं सोचो अभी क्लास ओवर होगी फिर मैं कल के लिए अभी प्रीमियम क्लास रिकॉर्ड करूंगा, तो मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा इस समय, ठीक है, थोड़ा सा मैनेज हो जाए, है ना, उसके बाद मैं कर दूंगा। ओके ठीक है बच्चों, तो चलिए अब तुम लोग भी पढ़ाई करो, ठीक है। पुष्पलता पटेल बेटा अनुराग सर ऑर्गेनिक पढ़ा रहे हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक को पढ़ा रहे हैं, उनके 2 लेक्चर प्रीमियम में अपलोड हो चुके हैं, ठीक है। चलो फिर हम लोग मिलते हैं, ठीक है, तो चलो तुम लोग अब सो जाओ, ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम।